उन्नीस में न्यूयॉर्क अग्निशमन विभाग मैनहटन एडवेंचर सोसाइटी में एक कमरे के कारण पहुंचा जहां से बहुत अधिक धुआं निकल रहा था हालांकि जब अग्निशामक पहुंचते हैं तो धुआं वापस अंदर खींच लिया जाता है एक आदमी दरवाजे को छूता है और उसका हाथ जमने लगता है इसलिए उसके साथियों को उसे खींचना पड़ता है फिर अग्निशामक दरवाजा तोड़ देते हैं और हर जगह दर्जनों जमी हुई लाशें और बर्फ देखकर हैरान रह जाते हैं जबकि एक फोनोग्राफ से एक अज्ञात भाषा बज रही होती है बर्फ की स्पाइक्स के बीच कवच में एक रहस्यमय आकृति एक प्राचीन बुराई से युक्त एक गोला रखती है जब अग्निशामक इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो गोला खुल जाता है और सभी शवचक नाचूर हो जाते हैं गोले के अंदर आंखों की एक जोड़ी द्वेष से चमकती है वर्तमान में कैली उसका प्रेमी गैरी और उसके बच्चे फोएबे और ट्रेवर पूर्णकालिक घोस्टबस्टर्स बनने के लिए समरविले से न्यूयॉर्क चले गए हैं कैली घोसबुस्टर टीम के पुराने सदस्यों में से एक की बेटी है इसलिए यह एक पारिवारिक व्यवसाय बन गया है एक भयानक भूत सीवर से भाग गया है और पूरे मैनहटन में परेशानी पैदा कर रहा है इसलिए नई टीम कार में उसका पीछा करना शुरू कर देती है क्योंकि वह मैनहोल कबा वाले अन्य वाहनों को टक्कर मारता है एक विशेष सीट खींची जाती है ताकि फोबे भूत पर प्रोटोन ब्लास्टर से गोली चला सके लेकिन ड्राइविंग के कारण वह बहुत कुछ चूक जाती है और उसके शॉर्ट विभिन्न इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं एक बार जब वे काफी करीब आ जाते हैं ट्रेवर एक रिमोट नियंत्रित जाल छोड़ता है लेकिन यह अभी भी भूत को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए एक ड्रोन जाल सामने आता है कैली ड्रोन को भूत की ओर निर्देशित करती है और उसे सफलतापूर्वक पकड़ लेती है परिवार जश्न मनाता है और गैरी का ध्यान भटक जाता है जिससे वह कार पर नियंत्रण खो देता है और शहर की साइकिलों के रैक से टकरा जाता है सड़कों पर लोग अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और जल्द ही टीम समाचारों में दिखाई देती है उन्होंने जो क्षति पहुंचाई है उसे नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है इसलिए मेयर पैक ने टीम को अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें डांटा कि उन्होंने शहर के साथ क्या किया है और फोएबे को साथ लाए हैं जो अभी भी नाबालिग है इसके बाद टीम मुख्यालय लौट आती है जो वही कार्यालय है जिसमें पुराने घोषर्स काम करते थे मेयर की धमकियों को याद करते हुए कैली और गैरी ने फैसला किया कि फोएबे को एक सामान्य जीवन जीना चाहिए और उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया जाता है फोबे इसे अच्छी तरह से नहीं लेती लेकिन उसकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है फिर गैरी और कैली ने भूत को अपनी रोकथाम इकाई में डाल दिया जिसमें सामान्य से अधिक प्रयास करना पड़ता है लेकिन वे नहीं जानते कि क्यों शुक्र है कि रोशनी हरी हो गई जिसका अर्थ है कि भूत पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है इस बीच पुरानी घोष्टुस्टर टीम और पॉडकास्ट के रे एक ऑनलाइन शो है और पॉरास्कोप का उपयोग करके वे रोजमर्रा की वस्तुओं की आध्यात्मिक ऊर्जा को मापते हैं ताकि मृत्यु के बाद के जीवन से संबंध खोजने की कोशिश की जा सके एक महिला अपने दिवंगत पति से एक घड़ी लाती है लेकिन रे को कोई रीडिंग नहीं मिलती है और पॉडकास्ट उसे हथौड़े से तोड़ देता है बाद में जब फोबे मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि उनकी दुकान में मार्शमेलोमैन के नाम से जानी जाने वाली छोटी संस्थाओं का एक समूह उसके कमरे के आसपास घूम रहा है वह सोचती है कि वे प्यारे हैं लेकिन पॉडकास्ट एक को नष्ट कर देता है क्योंकि वह बताता है कि वे एक प्लेग हैं अचानक नदीम दुकान में प्रवेश करता है और उसके डिब्बे को देखने मात्र से सभी मार्शमेलो मेंडर के मारे छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं बॉक्स में पारिवारिक प्राचीन वस्तुओं का एक गुच्छा है जिसे नदीम बेचना चाहता है और उस पर ग्लिफ को देखकर रे तुरंत बोला के बारे में उत्सुक हो जाता है वह इस पर ऑरास्कोप का उपयोग करता है लेकिन ऑर्ब द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा एक उछाल का कारण बनती है जो डिवाइस को तोड़ देती है और एक छोटे भूकंप को ट्रिगर करती है एक ठंडी ऊर्जा को सड़क से गुजरते हुए और अंततः भूत कंटेनर के साथ दीवार से टकराते हुए देखा जा सकता है वे तुरंत गोला खरीद लेता है और नदीम जितनी जल्दी हो सके पैसे लेकर चला जाता है उसने देखा कि बाहर एक खाने की गाड़ी पर आग बिना किसी कारण के अचानक सामान्य से बड़ी हो रही है घोस्टबुस्टर्स के मुख्यालय में गैरी को दीवार पर क्षति का पता चलता है और वह पिछली टीम के सचिव जेनाइन को बुलाता है जो इस पर जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ भेजने का वादा करता है ऊपर ट्रेवर ने देखा कि छत से कुछ हरा कीचड़ रिस रहा है और वह जांच करने के लिए अटारी में जाता है उसे खाने की खाली पैकेजिंग का एक ढेर मिलता है जो नीचे झपकी के रूप में हिलता है इसलिए वह करीब से देखता है और स्लिमर को देखकर चौंक जाता है जो बाहर कूदता है ट्रेवर के बीच से उड़ता है और दीवार से होकर भाग जाता है कुछ समय बाद टीम को एक भूत की चेतावनी मिलती है और वह एक मिशन पर निकल जाती है लेकिन वे फोएबे को लेने से इनकार कर देते हैं वह अकेले शतरंज खेलने के लिए पार्क में जाती है लेकिन अचानक मोहरे अपने आप हिलने लगती हैं मेलोडी नाम की एक भूत प्रकट होती है और उसकी आकृति ज्वाला में दिखती है क्योंकि वह आग में जलकर मर गई थी जब वे खेलते हैं मेलोडी स्वीकार करती है कि उसके पार जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि उसका काम अधूरा है अगले दिन पैराबाइलॉजिस्ट लास्क क्षतिग्रस्त दीवार की जांच करने के लिए आते हैं और जब यूनिट हिलती है तो वे पुष्टि करते हैं कि भूत बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं पूर्व घोस्ट बुस्टो विंस्टन रोकथाम इकाई का मूल डिजाइन लाता है जिसे कैली के दिवंगत पिता ने बनाया था उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चालीस वर्षों तक आध्यात्मिक कचरे को संकलित करने के बाद इकाई में जगह की कमी हो रही है विंस्टन ने उन्हें यह भी बताया कि जिस विस्फोट के कारण भूकंप आया उसने एक दरार पैदा कर दी जो संभावित रूप से दूसरी तरफ प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकती है चूंकि स्पष्ट रूप से यह इमारत लंबे समय तक नहीं टिकेगी विंस्टन टीम को एक गुप्त प्रयोगशाला में ले जाता है जहां वह पैरानोमल रिसर्च सेंटर रखता है अलौकिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए सभी प्रकार के वैज्ञानिक यहां एकत्रित होते हैं ट्रेवर को अपने दोस्त लकी से दोबारा मिलने का मौका मिलता है जो वहां काम भी कर रहा है जब भी रे को अलौकिक ऊर्जा वाली कोई वस्तु मिलती है तो वह उसे प्रयोगशाला में भेज देता है और लाज उन्हें एक मशीन में डाल देता है जो भूत को वस्तु से अलग कर देती है एक गाइड के रूप में मूल डिजाइन का उपयोग करते हुए उन्होंने एक बड़ी कंटेनर इकाई भी बनाई है इसलिए उन्हें जाल के साथ भूत को मुख्यालय से ले जाना शुरू करना होगा सभी भूतों को इकाई में नहीं रखा गया है उनमें से कुछ को आगे के अध्ययन के लिए विशेष कोशिकाओं में रखा गया है फीबी एक खोपड़ी को देखकर घबरा जाती है जबकि गैरी और कैली पीछे हट जाते हैं जब एक भूत कांच पर उल्टी करता है एक ऐसा स्वामी भी है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जाना पसंद करता है बाद में शाम को टीम को एक और मिशन मिलता है और वह फोएबे के बिना फिर से निकल जाती है उसी समय दूसरी आपातकालीन कॉल आती है इसलिए फोएबे और पॉडकास्ट वयस्कों की पीठ पीछे इसकी देखभाल करने जाते हैं वे इसे एक रेस्तरा में ले जाते हैं और पता चलता है कि भूत मेलोडी है इसलिए फोएबे को गोली मारने की हिम्मत नहीं हुई मेलोडी तुरंत भाग जाता है और फोएबे बहुत देर से प्रतिक्रिया करता है जिससे खिड़कियां टूट जाती हैं इस बीच लैब में लाज और लकीरें की वस्तुओं के साथ काम कर रहे हैं जब परिक्रमा की बारी आती है तो कोशिकाओं के सभी भूत परेशान महसूस करते हैं मशीन स्पिरिट को निकालने में विफल हो जाती है और अचानक लैब में बिजली की आपूर्ति बढ़ जाती है कुछ सेल की खिड़कियां टूट जाती हैं और भूत भागने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन उसी क्षण लाज बिजली ठीक कर देता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है फिर वह गोला पकड़ लेता है जिससे उसका हाथ जमने लगता है लाज अपना हाथ खोने से ठीक पहले गोला गिराता है कुछ क्षण बाद मेलोडी फोएबे से उसके कमरे में मिलने जाती है फी भी उसे चारों ओर दिखाती है और मेलोडी नियंत्रण इकाई को लगभग छू लेती है लेकिन ठीक समय पर रुक जाती है मेलोडी कुछ मैचों के साथ भी खेलती रहती है इसलिए फोएबे बताती है कि यही वह वस्तु है जो उसे इस दुनिया से जोड़ती है ये पता चला कि इन माचिस से आग लगी जिसने उसके परिवार को मार डाला प्रयोगशाला में ओब एक ठंडा विस्फोट भेजता है जो इकाई को फिर से प्रभावित करता है और शहर में बिजली बंद कर देता है विस्फोट मेलोडी के पास पहुंचता है जो कहती है कि वह जितनी तेजी से काम कर सकती है उतनी तेजी से काम कर रही है लेकिन योजना के लिए फोएबे का उपयोग करने के बारे में झिझक रही है अगले दिन ट्रेवर ने अटारी में एक जाल बिछाया और एक प्रोटॉन ब्लास्टर के साथ छिपने से पहले उसे जंक फूड से धक दिया स्लिमर खाने के लिए बाहर आता है लेकिन इससे पहले कि ट्रेवर उसे गोली मार सके शहर में एक और भूकंप आ जाता है टीम रोकथाम इकाई में पहुंचती है और दीवार में एक बड़ा छेद और हर जगह ठंड पाती है बाद में टीम लैब में लौटती है और उसे पता चलता है कि गोला भी जम रहा है इसे एक उपकरण से पकड़कर लाज मार्शमेलो पुरुषों को गोला दिखाता है जो इसके प्रति इतना आकर्षित महसूस करते हैं कि वे खिड़की पर छप जाते हैं जाहिरा तौर पर गोला भूतों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है ये बहुत करीब आने पर कुछ उपकरणों को भी फ्रीज कर देता है अधिक जानकारी के लिए उत्सुक लकी ट्रेवर और लाज नदीम से मिलने जाते हैं जो उन्हें अपनी दादी का विशेष कमरा दिखाता है वहां बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं जैसे कुछ अजीब सींग और शुरू से ही कवच लाज को पता चलता है कि कमरे में हर चीज पीतल से बनी है जो भूतों को फंसा सकती है जब तीनों नदीम पर ओरास्कोप का उपयोग करते हैं तो एक तीव्र प्रतिक्रिया होती है इसलिए वे उसे अपने साथ प्रयोगशाला में ले आते हैं नदीम को एक मशीन से जोड़ने के बाद पूर्व घोष और पीटर कुछ अजीब सवाल पूछना शुरू कर देता है अचानक वह नदीम पर कलम फेंकता है जिससे नदीम क्रोधित हो जाता है और पास में लगी आग की लपटें बड़ी हो जाती हैं जैसे जैसे बहस शुरू होती है और पीटर अधिक पेन फेंकता है नदीम का गुस्सा बढ़ता है और आग भी बढ़ती है जिसका अर्थ है कि उसके पास आग में हेरफेर करने की शक्ति है इस बीच पॉडकास्ट उस वीडियो की समीक्षा कर रहा है जो उसने प्रयोगशाला में लिया था और उसे पता चला कि कक्षा से एक अजीब प्राचीन भाषा निकल रही है वह फोयबे और रे एक विशेषज्ञ से सलाह लेने और रे की पुरानी बाइक पर निकलने का फैसला करते हैं वे न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं और एक वैज्ञानिक से बात करते हैं जो उन्हें एक पुरानी किताब पर नक्काशी दिखाते हुए वीडियो के शब्दों का अनुवाद करता है सदियों पहले एक शक्ति पागल राजा ने गारा का नामक एक शक्तिशाली इकाई से मदद मांगी थी जिसकी एक नया हिमयुग लाने की अपनी योजना थी नदीम के पूर्वज फायर मास्टर्स के नाम से जानी जाने वाली एक टीम थे जिन्होंने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गर्राका को कैद में रखा और उन सींगों को चुरा लिया जिनसे उसे शक्ति मिलती थी यदि गर्राका मुक्त हो जाता है तो न्यूयॉर्क को मौत की ठंड का अनुभव होगा जो लोगों को कपकपा देने वाले दर से उत्पन्न ठंड से मारता है वैज्ञानिक उन्हें पुरानी रिकॉर्डिंग वाले कुछ मोम सिलेंडर भी दिखाते हैं जिनमें मैनहटन एडवेंचर सोसाइटी का एक सिलेंडर भी शामिल है उस समूह को अवशेष चुराना बहुत पसंद था और कई साल पहले उसने गोला खोलने की कोशिश की थी जिससे उन सभी की मौत हो गई थी समूह रिकॉर्डिंग सुनता है और वीडियो से वही शब्द ढूंढता है अचानक सिलेंडर हिलने लगता है और मशीन से उछलकर कूड़े के थैले में गिर जाता है जिससे लाइब्रेरी के चारों ओर हलचल शुरू हो जाती है टीम उसका पीछा करना शुरू कर देती है और जब रे अलमारियों के बीच चलता है तो उसे अस्सी के दशक के उसी लाइब्रेरी भूत ने रोक दिया है समूह बाहर भूत का पीछा करता है और उसे शेर की मूर्ति पर आराम करते हुए पाता है रे उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन अचानक शेर हिलना शुरू कर देता है क्योंकि भूत ने मूर्ति को अपने पास रखने के लिए बैग छोड़ दिया था जैसे ही लोग घबराकर भागते हैं फीबी बाइक से एक प्रोटोन ब्लास्ट लाता है और शेर को गोली मार देता है जिससे वह फट जाता है कुछ क्षण बाद पैक ने घोषणा की कि वह घोस्ट बस्टर्स को बंद कर रहा है जो पुराने दिनों से उसकी इच्छा रही है फोयबे विरोध करने की कोशिश करता है लेकिन पैक का कहना है कि यह या तो यही होगा या जेल जाना होगा शाम को टीम मुख्यालय लौटती है और पता चलता है कि उनके सभी उपकरण पुलिस ने ले लिए हैं जबकि फोबे अपने माता पिता के साथ बहस करती है वे को नियंत्रण कक्ष में हुए नुकसान को दिखाता है और उसे बताता है कि वह अगला फायर मास्टर है इसलिए उसे दुनिया को बचाने के लिए प्रशिक्षण शुरू करने की आवश्यकता है पहला अभ्यास लॉ को लाइटर से मोमबत्ती की ओर ले जाना है जैसे ही नदीम अपना हाथ चलाता है लॉ भी वैसे ही चलती है लेकिन यह अभी तक ज्यादा कुछ नहीं करती है इस बीच फीबी फिर से पार्क में जाती है और मेलोडी से मिलती है लड़कियां बातचीत करती हैं और बंधन में बंध जाती हैं इसलिए फोएबे ने उसे एक विचार देते हुए स्वीकार किया कि वह एक भूत बनना चाहेगी वे प्रयोगशाला में जाते हैं और फोएबे मशीन में प्रवेश करती है फिर मेलोडी उसकी आत्मा को उसके शरीर से अस्थायी रूप से अलग करने के लिए उसे सक्रिय करती है प्रक्रिया काम करती है लेकिन मेलोडी माफी मांगती है और दुखी दिखती है ये पता चला कि वह गार्राका के लिए काम कर रही है जो जीवित प्राणियों को नियंत्रित नहीं कर सकता केवल भूतों को चूंकि उसे गोला खोलने के लिए एक जीवित व्यक्ति की आवश्यकता है अब वह फीबी के भूत को नियंत्रित करके उससे शब्द कहलवा सकता है भूत अभी भी उसके शरीर से जुड़ा हुआ है इसलिए वह शब्दों को भी दोहराता है और गोला खुलने लगता है जबकि मेलोडी बताती है कि उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि यह उसके लिए अपने परिवार को फिर से देखने का एकमात्र मौका है जल्द ही गोला टूट जाता है और कमरे में गहरा अंधेरा छा जाता है गारा का प्रकट होता है और कहता है कि वह दुनिया को नष्ट कर देगा जबकि उसकी शक्ति फोयबे के भूत को उसके शरीर में वापस भेज देती है उस समय लकी आता है और गारा का पर एक प्रोटॉन विस्फोट करने की कोशिश करता है लेकिन वह जल्दी से स्थिर हो जाता है और गायब होने से पहले धारा को तोड़ देता है जबकि टीम के बाकी सदस्य फोबे को मुक्त करने के लिए आते हैं गार्राका नदीम की इमारत में दुकान में प्रवेश करता है और क्लर्क को मौत के घाट उतार देता है फिर वह नदीम के अपार्टमेंट की ओर जाता है जहां वह अपने सीम निकालता है जैसे ही वह उन्हें पहनता है वह अपना असली रूप और अपनी सारी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेता है जल्द ही शहर पर एक काला बादल छा जाता है और पूरा क्षेत्र जमने लगता है जिससे बर्फ़ की परतें संपत्ति को नष्ट करने लगती हैं और लोगों को बिना दया के मार देती हैं पुरानी और नई दोनों टीमें विचारों पर चर्चा करने के लिए मुख्यालय में इकट्ठा होती हैं और नदीम अपने प्रशिक्षण का प्रदर्शन करता है लेकिन वह अभी भी केवल बुनियादी काम ही कर सकता है सौभाग्य से लाश के पास अपनी वैन में कुछ उपकरण हैं इसलिए टीम लड़ने के लिए तैयार होने लगती है जबकि लकी बताते हैं कि लैब में जो हुआ उसे देखते हुए उनके हथियार पर्याप्त नहीं होंगे फोएबे को याद है कि पीतल भूतों को फंसा सकता है और गोला इससे बनाया गया था इसलिए उसने अपने ब्लास्टर को मजबूत करने के लिए कुछ पीतल को पिघलाना शुरू कर दिया छत पर ट्रेवर और लकी सुनसान सड़क पर एक तिपहिया साइकिल को अपने आप लुढ़कते हुए देखते हैं इसलिए उन्हें लगता है कि यह मालिक का भूत है जो प्रयोगशाला से भाग गया और वापस अंदर भाग गया जैसे ही बाहर तूफान तेज होता है तिपहिया साइकिल दरवाजे से टकराती है जिससे वह अपने कब्जे से उड़ जाती है एक लाल बत्ती जो मालिक का प्रतिनिधित्व करती है घोस्टबुस्टर्स चिन्ह से टकराती है और अंदर जाने और कार पर कब्जा करने से पहले उसे गिरा देती है वाहन पीछे चला जाता है और समय रहते सभी लोग रास्ते से हट जाते हैं लाश दूसरे कमरे में चला जाता है क्योंकि उसने शोर सुना था लेकिन यह लैब के छोटे भूतों में से एक है जो उसके चेहरे पर गोली मारता है लाल बत्ती जल्द ही एक पेपर प्लेन लेकर कार से निकल जाती है फिर वह लकी के प्रोटोन पैक में कूद जाती है यह ब्लास्टर को उठाता है और ट्रेवर को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन गैरी उसे दूर धकेल देता है और नदीम अपनी शक्ति का उपयोग करके विस्फोट को खिड़की से बाहर भेज देता है पॉडकास्ट अपने हथौड़े से पैक को तोड़ देता है और भूत पिज्जा पाने के लिए बाहर निकलता है लेकिन अंत में स्लिमर उसे खा जाता है क्षण बर्फ मुख्यालय भवन को ढकने लगती है फोबे यूनिट रूम में जाती है और मेलोडी को ढूंढती है जो कसम खाती है कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और केवल अपने परिवार को देखना चाहती थी गुस्से में फीबी उसे दिखाती है कि कोई भी उसे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता है मेलोडी को इसे खुद में ढूंढना होगा फिर गारा का अंतता आता है और अधिक बर्फ की कीलों से सामने के दरवाजे को अवरुद्ध कर देता है जैसे ही इमारत हिलने और टूटने लगती है घोस्ट बुस्टर्स एक ही समय में अपने सभी प्रोटोन ब्लास्टर्स को गोली मार देते हैं लेकिन गार्रा का कुछ ही सेकंड में सभी धाराओं को रोक देता है अचानक नदीम फायर मास्टर कवच पहने हुए प्रकट होता है और लॉ को बुलाने के लिए लाइटर का उपयोग करने की कोशिश करता है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसने प्रशिक्षण में सभी तरल पदार्थ का उपयोग किया है गारा का लाइटर को पकड़ लेता है और विस्फोट करने से पहले उसे नष्ट कर देता है जिससे फर्श में एक खाई बन जाती है और अधिक बर्फ की कीले फंस जाती हैं फिर गारा का यूनिट से सभी भूतों को मुक्त करने के लिए एक मंत्र कहता है जो आकाश में उड़ने के लिए एक विशाल ऊर्जा विस्फोट करता है यूनिट के सभी भूत भाग जाते हैं और शहर को आतंकित करना शुरू कर देते हैं लेकिन फोएबे अब मेलोडी को नहीं देख सकता है वह ऊपर की ओर दौड़ती है और गार्राका पर अपना ब्लास्ट फायर करती है जो इस प्रबलित ऊर्जा को जमा नहीं कर सकता है इसलिए वह इसके बजाय फोएबे पर फ्रॉस्ट फायर करता है लड़की तुरंत शांत हो जाती है और गार्राका उसकी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन उसी क्षण मेलोडी फिर से प्रकट होती है और अपना आखिरी मैच जलाती है अब नदी में एक आग का गोला बना सकता है जिसे वह गर्राका पर मारता है और तेज गर्मी कमरे में बर्फ को पिघला देती है जिससे सभी लोग मुक्त हो जाते हैं फीबी ने अपने ब्लास्टर को फिर से गोली मार दी और उसे अपने हाथों में इतनी शक्ति होने के बावजूद स्थिर खड़े रहने में परेशानी हो रही है इसलिए उसका परिवार उसे इसे पकड़ने में मदद करता है जबकि प्रबलित विस्फोट और नदीम के आग के गोले का संयुक्त प्रयास गार्राका पर हावी हो जाता है और कास्ट कार तक पहुंचता है और ड्रोन जाल को छोड़ देता है हालांकि मार्शमेलो मेन भी प्रयोगशाला से भाग गए और उसके साथ खिलवाड़ किया जिससे उसने जाल पर नियंत्रण खो दिया और गार्राका को उसे गिराने की अनुमति मिल गई पुराने घोष बस्टर्स को एहसास हुआ कि चून की गार्राका ने सभी भूतों को मुक्त कर दिया है इसलिए रोकथाम इकाई अब खाली है वे इसे सक्रिय करने के लिए बेसमेंट की ओर दौड़ते हैं और एक साथ काम करने वाले सभी लोगों के लिए धन्यवाद गार्राका को इकाई में खींच लिया जाता है और रोशनी हरी हो जाती है जिससे पुष्टि होती है कि बुरे आदमी को सफलतापूर्वक सील कर दिया गया है बाद में मेलोडी फोबे को अपनी माचिस की डिब्बी देती है और आगे बढ़ने से पहले अलविदा कहती है टीम बाहर आती है और पाती है कि सारी बर्फ़ पिघल गई है ऐसा प्रतीत होता है कि पर्क उन्हें फिर से डांटने की कोशिश कर रहा है लेकिन सभी स्थानीय लोग अपना समर्थन दिखा रहे हैं और पर्क के पास साथ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिससे घोस्ट बस्टर्स को अभी काम करने की अनुमति मिल गई है अब गर्रा का द्वारा छोड़े गए सभी भूत शहर में खुले हैं इसलिए टीम सफाई शुरू करने के लिए वापस सक्रिय हो गई है बाहर जाते समय फीबी ने पहली बार गैरी को डेड कहा कुछ समय बाद जब एक ट्रक चालक गैस स्टेशन पर रुकता है तो मार्शमेलो पुरुष मौके का फायदा उठाकर उसका वाहन चुरा लेते हैं गैरी ग्रोबसन पॉल रूड स्पेंगलर कैरी कोन और उसके बच्चे फिन वोल्फहाद मैकेना ग्रेस अब न्यूयॉर्क शहर में भूतों का भंडाफोड़ कर रहे हैं उन्हें विंस्टन जेड डेमोर एल्ही हटसन द्वारा वित्तपोषित किया जाता है जिन्होंने फायर स्टेशन खरीदा है पीटर वैनकमेन बिल मरे ग्रेसटैंस डेनक्रोयद और जेनाइन मेलनि एनीपॉर्ट्स भी वापस आ गए हैं अब एक जादुई धातु की गेंद है इससे अच्छी शुरुआत होती है चार नए पात्रों को न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर अच्छी तरह से पीछा करने का मौका मिलता है उनके बीच कुछ अच्छी नोक झोंक होती है मज़ा आता है प्रकाश है ये भूत भगाने वाला है यह नए पात्रों का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है इसमें पुराने किरदारों को वापस लाना है इसमें जमा देने वाली शक्ति वाला एक नया भूत है जो भी हो वाल्टर पैक एक पल के लिए एक मज़ेदार वापसी करता है फीबी का एक भूत के साथ एक दिलचस्प संबंध है लेकिन आखिरकार वह छोटा सा लगता है पुराने समय की फ़िल्म की तरह ये कुछ सुझाव देती है लेकिन पूरी तरह से इसमें शामिल होने को तैयार नहीं है कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है और दोनों ही पर्याप्त नहीं इसे अधिक मनोरंजक और अधिक खतरनाक बनाने की आवश्यकता है मैंने ये फिल्म कभी नहीं देखी होगी लेकिन मैंने इसे सिएटल की तीन घंटे की उड़ान में देखा मुझे लगा कि पहली फ़िल्म काफ़ी मज़ेदार थी हमारे पास उनके प्राइम में सैटरडे नाइट लाइव समूह और कुछ अन्य मज़ाकिया लोग थे इस फ़िल्म को बनाने के लिए कुछ रुपये कमाने के अलावा और कोई कारण नहीं है जो शायद इसने किया हमारे पास एक प्रतिभाशाली किशोर यक और एक अन्य का भूत भी शामिल है भूत प्रेतों के नियम कायदों के बारे में भी हमें सीमित जानकारी है यहां तक कि जब यह निष्कर्ष निकला तो भी मुझे कभी भी यकीन नहीं था कि हमें इसके बारे में कैसा महसूस करना चाहिए वैसे भी मैंने इसे देखा ये औसत दर्जे का था ये भूलने योग्य था यहां तक कि कुछ बेहद मजाकिया लोगों की पसंद भी इसे नहीं बचा सकती आइए अब प्लग निकालें और किसी मूल चीज़ पर नकद खर्च करें कोई यमक इरादा नहीं बढ़िया लाइन इस पर चलना काफी कठिन है और इसे परिभाषित करना भी काफी कठिन है आप इसे कहाँ खींचते हैं आप इसे कहाँ ले जाते हैं क्या आप इसे डरावना लेकिन पर्याप्त डरावना नहीं बना सकते क्या आप किशोरावस्था में प्यार तो दिखा सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते विशेष रूप से समान लिंग वाली बात के कारण हम 2024 में रह रहे हैं लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस बात पर आपत्ति जताएंगे कि क्या दो लड़कियां सिर्फ दोस्त से ज्यादा रहने का फैसला करेंगी और पंद्रह साल की फिल्म में ये निश्चित नहीं है कि अभिनेत्री वास्तविक जीवन में कितनी उम्र की है यहां मुख्य किरदार है और ऐसा लगता है कि वह यहां कुछ सीख रही है वास्तव में वह बहुत कुछ सीख रही है और आप केवल तभी सीखते हैं जब आप प्रयास करते हैं और समय समय पर असफल होते हैं वह एक तकनीकी प्रतिभा हो सकती है लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो उसके पास सीखने के लिए कुछ चीजें हैं जैसे कि अपनी भावनाओं को कैसे संप्रेषित किया जाए कुल मिलाकर फिल्म पात्रों से भरी हुई है आपको ये पसंद आ सकती है रिश्तों की खोज की गई है कुछ सिर्फ पूरक हैं बेटा बिल मरे जो कम से कम कहने में काफी उग गया है और कुछ अन्य न्यूनतम स्क्रीन समय के साथ या आप सोच सकते हैं कि यह बहुत ज्यादा है मेरा मानना है कि यदि आप इसके बारे में सोचें तो आप संभवतः बाद वाले समूह में होंगे उन सभी ने कहा यह अभी भी एक बोस्ट फिल्म है तो आप किसे वापस कॉल करेंगे बिल्कुल अपने अविश्वास को रोकें सुरक्षा मुद्दों या बड़ी साजिश के बारे में न सोचें चीजों को घटित होने के लिए पात्रों को तरकीम कार्य करना पड़ता है बस यात्रा का आनंद लें सभी महिला कलाकारों के बाद ये दूसरी विरासत फिल्म है फैंस के बीच फ्लॉप हो गए नोट मैं वह व्यक्ति था जिसे ये पसंद आया यह ओक्लाहुमा में एर्गोन् स्पेंगलर की मृत्यु के बाद हुआ है क्योंकि उनके परिवार ने न्यूयॉर्क शहर में सत्ता संभाली है वाल्टर पैक विलियम एथरन जो घोस्टबुस्टर्स को बंद करना चाहता था मेयर बन गया है फोयबिस्पेंगलर का किरदार मैकेना ग्रेस ने निभाया है जिसके बाल हीरो रैम की तरह दिखने के लिए बनाए गए हैं वह आगे बढ़ने वाली मुख्य किरदार है पॉल रूड उसका आप कौन है सौतेले पिता और पूर्व विज्ञान शिक्षक फिन वोल्फहार्ड ने उसके अनपेक्षित भाई ट्रेवर की भूमिका निभाई है और कैरीकून उसकी समान रूप से उबाऊ मां है एक पूर्व सुमवियन प्राचीन दानव तब से जारी किया गया है जब अग्नि समाज के मुख्य पहलू के रूप में स्वामी थी मुख्य भूत से मुकाबला करने के लिए कई पुराने सितारों और कुछ नए सितारों समेत पूरी ताकत लगा दी गई है बिल मरे डेन अकर पैटन होसवाल्ड एवनी हर्टसन एनी पॉट्स कुमेल नानजानी एमिली एलिन लिंड और कुछ अन्य लोग टीम बनाते हैं उनके पास सिर्फ मौके का भूत है सकारात्मक पक्ष पर उन्होंने घोस्ट बस्टर्स गीत में काम किया और नकारात्मक पक्ष पर पॉल पॉलवुड ने गीत को कहने की कोशिश की जिससे ऐसा लग रहा था कि वे विरासत को कुछ ज्यादा ही कठिन बना रहे थे ये फ़िल्म हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाली कॉमेडी नहीं थी उन्हें संवाद पर काम करने की जरूरत थी मैं वास्तव में 2024 की फिल्म होस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर को देखने और देखने के लिए किसी विशेष जल्दी में नहीं था लेकिन आखिरकार मैं ऐसा करने में सफल हो गया लेकिन रंग ने मुझे प्रभावित किया मैं निश्चित रूप से यहां कुछ न कुछ खो रहा था मुझे ये कहना होगा कि केनान और जेसन वीडमैन ने फ्रेंचाइजी को पटरी पर वापस ला दिया क्योंकि घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर वास्तव में उन्नीस सौ चौरासी की घोस्टबुस्टर्स और उन्नीस सौ नवासी की घोस्बस्टर्स दो फिल्मों जितनी ही मनोरंजक थी तो उसे पूरा करने के लिए शुभकामनाएं ये काफ़ी उपलब्धि थी घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर के पूरे 115 मिनट के दौरान मेरा सच्चे दिल से और पूरे दिल से मनोरंजन किया गया फिल्म में अभिनय का प्रदर्शन अच्छा है और जबकि पॉल पॉलरूड कैरीकून फिल्म वोल्फहाड और मैकेना ग्रेस ने निश्चित रूप से फिल्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया ये बिल मरे डैन एकर और एरनी हटसन जैसे लोग थे जिन्होंने फिल्म को आकर्षण और अनुग्रह दिया खासकर जब से इसने हमारे लिए इतनी अच्छी तरह से काम किया घोस्ट घोस्टबुस्टर्स और घोस्ट घोस्टबुस्टर्स दो के साथ बड़े हुए बस ये शर्म की बात है कि हीरो ड्रामिस इसके लिए मौजूद नहीं थे और सिगोर्नी वीवर के एक बार फिर से कलाकारों की सूची में होने से फिल्म को भी फायदा हुआ होगा और निश्चित रूप से एनी पॉट्स और विलियम एथरन जैसे लोगों को अपने किरदारों को दोबारा निभाते हुए देखना भी अच्छा था और फिल्म में पैटर्न ओसवाल को भी एक अच्छी भूमिका में लाया गया यह शर्म की बात है कि उन्हें स्क्रीन पर अधिक समय नहीं दिया गया देखने में तो गॉस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर बहुत बढ़िया है मैंने वास्तव में फिल्म में सीजीआई विशेष प्रभावों का आनंद लिया क्योंकि यह शानदार लग रहा था और उन्होंने वास्तव में बहुत सारे अच्छे विवरणों पर काम किया सीजीआई प्रभावों ने वास्तव में भूतों को यादगार तरीके से स्क्रीन पर जीवंत कर दिया यदि आप घोस्टबस्टर्स फ्रेंचाइजी का आनंद लेते हैं तो आप निश्चित रूप से निर्देशक गिल केनन की 2024 की फिल्म घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर देखने से चूकना नहीं चाहेंगे घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर की मेरी रेटिंग 10 में से 7 सितारों पर है मूल घोस्टबस्टर्स ने 2024 में अपनी 40वीं वर्षगांठ मनाई घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ फ़्रेंचाइजी में पांचवीं किस्त भयानक 2016 महिला संस्करण को नज़रअंदाज करते हुए एक महान उदासीन थी कम्बैक रीक्वेल। मैंने इस फॉलोअप के बारे में मिश्रित बातें सुनी जो कि आफ्टर लाइफ निर्देशक जेसन रीडमैन द्वारा लिखित मूल निर्देशक इवान रीडमैन के बेटे गिल के नान मॉन्स्टर हाउस पोल्टरजिस्ट द्वारा निर्देशित है मूल रूप से न्यूयॉर्क शहर में जुलाई 1904 में अग्निशामक फायर स्टेशन से जो घोस्ट बस्टर्स मुख्यालय बन जाता है मैनहटन एडवेंचर सोसाइटी एक सज्जनों के क्लब में एक कॉल का जवाब देते हैं दरवाजों को तोड़ते हुए उन्हें एक कमरा मिला जिसमें तीस आदमी जमे हुए थे जबकि एक फोनोग्राफ विलुप्त भाषाओं में अजीब मंत्र बजा रहा था एकमात्र जीवित व्यक्ति कवच पहने एक महिला है जिसके हाथ में एक रहस्यमय धातु का गोला है वर्तमान समय में केली स्पेंगलर कैरी कैरीकून उसका प्रेमी गैरी ग्रोबसन पॉल रूड और उसके बच्चे ट्रेवर फिन वोल्फहाड और फोएबे मैकेना ग्रेस सड़कों पर घूम रही दुष्ट आत्माओं को पकड़ने के लिए घोस्टबस्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं वे हेल्स किचन सीवर ड्रैगन को पकड़ने में सफल होते हैं लेकिन संपत्ति की क्षति के कारण उन्हें सार्वजनिक प्रतिक्रिया और पुराने प्रतिद्वंद्वी वाल्टर पैक विलियम एथरन से धमकियों का सामना करना पड़ता है जो मेयर चुने गए थे पूर्व घोस्टबस्टर विंस्टन जेड डेमोर एरनी हटसन के लिए भी चिंता है जो उनके ऑपरेशन को फंड करते हैं क्योंकि उनका एक तो कंटेनमेंट खतरनाक रूप से क्षमता के करीब है फ़ीबी को कानूनी तौर पर टीम का हिस्सा बनने के लिए बहुत छोटा माना जाता है इसलिए कैली अपनी विद्रोही किशोर बेटी को वयस्क होने तक निलंबित कर देती है एक दिन पार्क में एक शतरंज बोर्ड स्थापित करते हुए फोबे की मुलाकात मेलोडी एमिली एलिनलेंट नाम के एक भूत से होती है जो सोलह वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ आग में जलकर मर गई थी इस बीच रेमंड रेमंडैन एकर और पॉडकास्ट रे के ऑकल्ड बुक स्टोर में शापित वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं नदीम रजमादी द बिगसिक के कुमेल नानजियानिक नाम का एक ग्राहक रे को धातु का गोला बेचता है जो उसकी दिवंगत दादी का था जब रे इस पर परीक्षण करता है तो गोला एक मानसिक आवेश छोड़ता है जो फायर हाउस की एकटो कंटेनमेंट इकाई के चारों ओर की दीवार को नुकसान पहुंचाता है स्पेंग्लर्स और गैरी को विंस्टन के निजी स्वामित्व वाले पैरानॉमल रिसर्च सेंटर में ले जाया जाता है जहां उनका दोस्त लकीक सैलिस्टे कॉनथ सन की ब्रिटिश आविष्कारक डॉक्टर लासपिनफील्ड जेम्स ए एकेस्टर के साथ काम कर रहा है उन्होंने एक रिवर्स इंजीनियर तकनीक का आविष्कार किया है जो कथित प्रेतवाधित वस्तुओं से आध्यात्मिक ऊर्जा निकाल सकती है वे इसका उपयोग कक्षा से कुछ निकालने के लिए करने का प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती ट्रेवर पिनफील्ड और लकी नदीम से मिलने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसकी मृत दादी के घर में एक पीतल रेखा वाला कक्ष छिपा हुआ है जिसमें कई अवशेष हैं और जहां गोला संग्रहित किया गया था फिर नदीम को परामनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए डॉक्टर पीटर वैनकोमैन बिलमरेक के पास ले जाया गया ये पता चला कि उसके पास गुप्त पायरोकाइनेटिक शक्तियां आग को नियंत्रित करने की क्षमता हैं मेलोडी फायर हाउस में फोएबे से मिलने जाती है जहां वह रोकथाम इकाई में विशेष रुचि लेती है मेलोडी गुप्त रूप से ऑर्ब में मौजूद इकाई के लिए काम कर रही है जिसे फोएबे के करीब रहने का काम सौंपा गया है रे फोएबे और पॉडकास्ट न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में डॉक्टर ह्यूबर्ट वॉट्स की पैटर्न ओस्वाल से मिलने जाते हैं जहां वह बताते हैं कि गोला एक राक्षसी देवता गार्राका को कैद करने के लिए बनाया गया था राक्षसी देवता ने भूतों को नियंत्रित करने और भय सहित नकारात्मक भावनाओं को पोषित करते समय तापमान को पूर्ण शून्य तक कम करने की अपनी टेलीपैथिक क्षमता के साथ उनके आयाम पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की हजारों साल पहले चार जादूगरों फायर मास्टर्स के साथ लड़ाई के बाद गार्राका फंस गया था जब उन्होंने आग और पीतल पर उसकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाया था बाद में 1904 में मैनहट्टन एडवेंचरर्स सोसाइटी द्वारा उन्हें कुछ समय के लिए मुक्त कर दिया गया वे सचमुच मौत से डर गए थे लेकिन गार्राका को फायर मास्टर्स के वंशजों में से एक नदीम की दादी ने पुनः कब्जा कर लिया था क्लब के अनुष्ठान की फोनोग्राफ सिलेंडर रिकॉर्डिंग पुस्तकालय संग्रह में रखी गई है एक पोल्टर्जिस्ट प्रोसेसर सिलेंडर चुराने की कोशिश करता है जिसे फोबे ने पीछा करने के दौरान नष्ट कर दिया अपने कार्यों को बंद करने की उनकी अवज्ञा के बाद पैक ने फायर हाउस को जबत कर लिया और उनके मूल उपकरण जबत कर लिए एक बहस के बाद फोएबे अपने परिवार से भाग जाती है वह मेलोडी को अनुसंधान केंद्र में ले जाती है प्रयोगशाला की निष्कर्षण मशीन का उपयोग करके दो मिनट के लिए उसकी आत्मा को उसके भूत बन रहे शरीर से अलग कर देती है ताकि वह और मेलोडी शारीरिक रूप से बातचीत कर सकें लेकिन मेलोडी ने खुलासा किया कि उसने परलोक जाने के बदले में गर्राका को कैद से मुक्त कराने का सौदा किया था फोयबे को अनुष्ठान का मंत्र पढ़ने के लिए मजबूर करके गर्राका भाग जाता है और शहर को मुक्त कर देता है घोस्टबुस्टर्स को एहसास हुआ कि गार्राका अपनी सेना के पुनर्निर्माण के लिए सभी भूतों को नियंत्रण इकाई से मुक्त करना चाहता है टीम नए उपकरणों के साथ अपने मुख्यालय की रक्षा करने के लिए एकत्र होती है जबकि नदीम उनकी मदद के लिए अपनी दादी का पीतल का कवच पहनता है और अपने पायरों को नियंत्रित करने का अभ्यास करता है जब गार्रा का आता है तो वह आसानी से घोस्ट बस्टर्स पर हावी हो जाता है और नियंत्रण इकाई को तोड़ देता है पकड़े गए भूतों को मुक्त कर देता है गार्राका फोएबे के पुनः कॉन्फिगर किए गए प्रोटॉन पैक के प्रति संवेदनशील है जो पीतल जैसे मिश्र धातु पदार्थ को जलाता है मेलोडी अपने धोखे के लिए गार्राका पर हमला करता है और उसे रोकने के लिए फोएबे और नदीम से जुड़ जाता है चूंकि यूनिट के भूत चले गए हैं इसलिए रे इसका उपयोग गर्राका को परलोक में भेजने में सक्षम है घोस्टबुस्टर्स की मदद करने के लिए मेलोडी पर लोग जाने में सक्षम होने से पहले फोएबे के साथ मेल मिलाप करती है और वह उसके परिवार में शामिल हो जाती है न्यूयॉर्क शहर में ठंडक है और नागरिक घोस्टबस्टर्स की नायक के रूप में प्रशंसा करते हैं पैक ने घोस्टबस्टर्स को फिर से बंद करने की धमकी दी लेकिन उन्होंने आसपास के प्रेस के साथ उसे टीम का समर्थन करने और फोबे को बहाल करने के लिए मजबूर किया घोस्टबुस्टर्स एकटो तो एक वाहन में चढ़ जाते हैं और सीवर ड्रैगन स्लिमर और मिनी पुफ्त सहित भागे हुए भूतों का पीछा करना शुरू कर देते हैं बाद में एक स्टे पुफ्ट मार्शमेलो ब्रांड ट्रक को मिनी पुफ्ट के एक समूह द्वारा चुरा लिया जाता है जब उसका ड्राइवर एक गैस स्टेशन पर गैस भर रहा होता है इसके अलावा एनी पॉट्स ने जेनाइन मेलनिट्स के रूप में शैली विलियम्स ने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में स्टीफन विटफीव ने फायर कैप्टन उन्नीस सौ चार क्रिस टूमिंग्स ने पुलिस प्रमुख के रूप में और जॉन रोथमैन ने लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अभिनय किया युवा नायक के रूप में ग्रेस उचित है रूड ने अपनी मनोरंजक अच्छे आदमी की एक पंक्ति वाली भूमिका को दोहराया है अन्य युवा सहायक कलाकारों ने कष्टप्रद रूप से भूमिकाएं कम कर दी हैं एक्रॉइड और हटसन ठीक हैं और मरे दुर्भाग्य से निराधार हैं एकमात्र सकारात्मक बात जो मैं कह सकता हूं वह यह है कि अधिकांश पात्र अभी भी पसंद करने योग्य हैं विशेष प्रभाव बहुत अच्छे हैं और रे पाकर जूनियर का प्रतिष्ठित थीम गीत सुनना हमेशा मजेदार होता है इस फिल्म के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह उन सभी परिचित चीजों को याद करने की बहुत अधिक कोशिश करती है जिन्होंने मूल को मज़ेदार बनाया और बुरी तरह विफल रही एक सनसनी के स्क्रिप्ट या मनोरंजक कहानी बनाने का कोई प्रयास नहीं है यह एक पूर्वानुमानित उबाऊ और कष्टप्रद गड़बड़ है एक निराशाजनक अलौकिक कॉमेडी पर्याप्त बस्टिंग से आपको अच्छा महसूस हो सकता है लेकिन फ़िल्मों ने मुझे हमेशा निराश महसूस कराया है मुझे अजीबोगरीब वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा भूतों का शिकार करने और उन्हें फंसाने का विचार बहुत पसंद है लेकिन मेरी राय में किसी भी फिल्म ने आधार के साथ न्याय नहीं किया है हाँ यहां तक कि मूल भी फ्रोजन एम्पायर फ़्रेंचाइज़ में नवीनतम और उम्मीद है कि आख़िरी एक मज़ेदार बुनियादी सेटअप लेता है और इसे इस हद तक जटिल बना देता है कि यह युवा दर्शकों को भ्रमित कर देगा जिस सिनेमाघर में मैंने फ़िल्म देखी थी वहां के बच्चों का स्पष्ट रूप से मनोरंजन नहीं हुआ था ये देखते हुए कि वे, कि वे कितनी बातें कर रहे थे जबकि सभी किशोर नाटक वयस्कों को बोर कर देंगे स्क्रिप्टोलजी हुई उत्साहहीन है और इसमें कुछ अच्छी कॉमेडी की सख्त जरूरत है सेक्स कालकोथ्री और वेश्याओं के बारे में लचक चुटकुलों के बजाय मेरे लिए पूरी घोष श्रृंखला के बारे में सबसे अच्छी बात रेपाकर जूनियर का थीम गीत है दुख की बात है कि आपको इस खेदजनक सीक्वल को सुनने के लिए पूरी अवधि तक बैठना होगा तीन दशमलव पांच दस जेम्स एक एस्टर वह मुझे परेशान करता है और बेवकूफ़ मिनी स्टेप उफ पात्रों के लिए तीन तक सीमित कर दिया गया है जो केवल इसलिए हैं ताकि उन्हें खिलौनों के रूप में विपणन किया जा सके आफ्टरलाइफ को बड़ा काम करना है इसे बस्टर्स दुनिया का पुनः परिचय होना था इसे नए चरित्रों को लाना था और पुराने चरित्रों से इन नई उज्जवल युवा चीजों की ओर कमान सौंपने का काम करना था अगर मैं निंदक हो रहा होता तो मैं कहता कि इसे लोगों के दिमाग से 2016 की पॉल की पॉल्फीक की सभी महिला कलाकारों वाली फिल्म की छवि को भी हटाना होगा हालांकि मुझे ये काफ़ी पसंद आया और एक अजीब अजनबी चीज़ें वाइब के साथ यह अच्छी तरह से काम करने लगा तब आप सोचेंगे कि यह अगली फ़िल्म फ्रोजन एम्पायर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएगी हम नई पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं शायद पुरानी पीढ़ी के प्रति अजीब सहमति के साथ दुर्भाग्य से पुरानी पीढ़ी इसे जाने नहीं दे सकती हो सकता है कि यह पर्दे के पीछे डैन की भागीदारी के कारण हो लेकिन इस फ़िल्म में पुराने और नए का संतुलन बिगाड़ने वाला है जो इसके लिए नुकसानदायक है यह एक मिनट के लिए आगे बढ़ना चाहता है और कुछ नया करना चाहता है और फिर भी इसे ऐसा महसूस होता रहता है कि इसे रुक जाना चाहिए और पुरानी फिल्मों और उनके प्रशंसकों के प्रति दिखावा करने के लिए पीछे मुड़कर देखना चाहिए कार्यवाही में बिलमरे पोस्टर ट्रेलर से आपको मूर्ख मत बनने दीजिए ये वैनकमैन शो नहीं है को लगातार जूता मारना सिर्फ इसलिए कि ठीक है ये बिलमरे भी लगभग हास्यास्पद है यदि वह वहां पूरी तरह नहीं रहना चाहता तो निश्चित रूप से वे उसके बिना रह सकते हैं मुझे यकीन है कि इसने एक और सीक्वल बनाने के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया यदि ऐसा है तो मैं वास्तव में सोचता हूं कि उन्हें या तो नई टीम को प्रोटॉन पैक्स का प्रभारी बनने देना चाहिए और अजीब शव कार को अकेले चलाना चाहिए या पुराने लोगों को एक आखिरी झटके के लिए आगे और केंद्र में धकेलना चाहिए आपके साथ या आपके बिना मिस्टर मरे घोस्टबस्टर्स श्रृंखला की इस नवीनतम किस्त में ज़्यादातर युवा पीढ़ी के कलाकार हैं हालांकि वे कई मूल कलाकारों को वापस लाने में सक्षम हैं कम से कम उनमें से जो जीवित बचे हैं बिलमरे को वापस देखकर विशेष रूप से अच्छा लगा मेरे लिए सबसे दिलचस्प फोबिस पेंगलुरर के रूप में मैं के थी युवा अभिनेत्री मेरे व्यक्तिगत रडा पर तबाही जब वह लगभग दस वर्ष की थी जब उसने गिफ्टेड में अभिनय किया जहां उसने एक बहुत ही साधारण एकल्पिता के साथ एक गणित प्रतिभावान व्यक्ति की भूमिका निभाई जब उसकी गणित प्रतिभावान मां की युवावस्था में मृत्यु हो गई थी यहां वह एक किशोरी है और घोस्टबस्टर के रूप में अपने कौशल को निखार रही है लेकिन वह अभी भी बहुत छोटी है हालांकि अंत में वह महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने में सफल होती है जो उन्हें नए फ्रोजन एम्पायर भूत को पकड़ने में सक्षम बनाती है कुल मिलाकर पुरानी जीबी फिल्मों की सराहना करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक मनोरंजक फिल्म है मैंने और मेरी पत्नी ने इसे ब्लूरे पर घर पर देखा अतिरिक्त दिलचस्प हैं न्यूयॉर्क शहर में मूल स्टेशन आर्ट का उपयोग करने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने लॉस एंजल्स में एक ध्वनि मंच पर एक सटीक प्रतिकृति बनाई और इसे नए जैसा दिखाने के लिए बाहर की तरफ नीली स्क्रीन का उपयोग किया यॉक आपको ये भविष्यवाणी करने के लिए नास्त्रेदम्स के भूत को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी कि सफल घोस्ट घोस्टबुस्टर्स आफ्टर लाइफ जल्द ही एक और सीक्वल और शायद एक पूरी तरह से नई श्रृंखला का नेतृत्व करेगी मुझे गलत मत समझो मैंने वास्तव में 2021 की वापसी वाली फ़िल्म का आनंद लिया लेकिन यह मूल रूप से वह सब कुछ था जो हॉलीवुड को सबसे ज्यादा पसंद है न्यूनतम रचनात्मक प्रयास के माध्यम से बड़ा वित्तीय लाभ हर कोई घोस्टबुस्टर्स की नई पीढ़ी को मूल सदस्यों के साथ टीम में देखना चाहता था हर किसी को पुरानी यादें पसंद होती हैं मेरे सहित लेकिन दूसरा विरासत सीक्वल जाहिरा तौर पर इसे ही वे इस प्रकार की फिल्में कहते हैं पहले से ही दर्दनाक रूप से स्पष्ट करता है कि पुरानी यादों की भी एक समाप्ति तिथि होती है फ्रोजन एम्पायर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कथानक पिछली सभी फिल्मों की संरचना का आंख बंद करके अनुसरण करता है और लोकप्रिय नॉटन की निश्चित मूल्यों को पूरी तरह से पुरानी यादों के लिए घसीटा जाता है लेकिन वे कोई मूल्य नहीं जोड़ रहे हैं जैसे स्लिमर प्राणी छोटे मार्शमेलो पुरुष और यहां तक कि बिलमरे भी वह स्वयं पुराने दिनों की तरह घोस्टबुस्टर्स साबित करता है कि लोग और विशेष रूप से न्यूयॉर्क के निवासी निरंतर स्मृति हानि से पीड़ित कृत पाखंडी हैं पहले ही तीन बार शहर को बचाने के बावजूद घोस्टबुस्टर्स को केवल लापरवाह व्यवहार के लिए दोषी ठहराया जाता है और जब भी वे किसी भूत या प्राणी को पकड़ने के लिए निकलते हैं तो शहर के आधे हिस्से को नष्ट करने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाता है परिचित दिखने वाले मेयर उन्हें स्थायी रूप से बंद करना चाहते हैं इस बीच एक नया और सर्वशक्तिमान दुष्ट प्राणी एक प्राचीन कलाकृति के माध्यम से प्रकट होता है और एनवाई को नामात्र के जमे हुए साम्राज्य में बदलने के लिए धैर्यपूर्वक सही समय का इंतज़ार करता है इसका नाम गार्राका है और यह घातक बर्फ देवता नई घोस्टबुस्टर्स फिल्म की तलाश करने का अब तक का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यह प्रभावशाली और वास्तव में अलौकिक है चालीस साल पुरानी फ्रेंचाइजी में इस नई प्रविष्टि को देखना निश्चित रूप से कोई सजा नहीं है पॉल रूट को देखना हमेशा मज़ेदार होता है दो उदास किशोर लड़कियों के बारे में उपकथानक एक जीवित और एक मृत प्यारी है कुमेल नांजियानी की कुछ मजेदार पंक्तियां हैं और डैन अकर को फिर से एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखना अच्छा था अंत में और तर्कसंगत रूप से विश्लेषण किया गया हालांकि यह एक अविस्मरणीय विज्ञान फाई एक्शन फ़िल्म है जिसके बारे में आपको एहसास होगा कि अगर इस पर घोषुस्टर्स लेबल नहीं होता तो आप सिनेमा जाने की जहमत नहीं उठाते घोस्टबस्टर्स में फ्रोजन एम्पायर एक प्राचीन कलाकृति एक बुरी ताकत को उजागर करती है नए और पुराने घोस्टबस्टर्स को अपने घर की रक्षा करने और दुनिया को दूसरे हिमयुग से बचाने के लिए सेना में शामिल होना होगा वाह इतनी नकारात्मकता ये समीक्षाएं गड़बड़ हैं मुझे हमेशा की तरह विपरीत अनुभव हुआ और मुझे लगा कि यह एक आनंददायक मजेदार फिल्म है जिसमें यहाँ या वहाँ कुछ शांति है लेकिन खूब हंसी मजाक है हर बार रुक रुक कर चलने वाला मार्शमोलो है पॉल पॉलरूड के साथ मैकेना ग्रेस एक ठोस नेतृत्व बनी हुई है और एक गुणवत्ता खतरा मौजूद है हो सकता है कि बहुत सारे पात्र हों लेकिन शायद बेहतरी के लिए निश्चित रूप से उन्हें बिल मुरे के लिए एक हंसी या अभिन्न दृश्य मिल सकता है हालांकि यह अंतिम बीस मिनटों में चल रहा है बाकी यह वास्तव में धीमी पारिवारिक कला है ये नाटक शायद ही किसी भूत को पेश करता है लेकिन यह फोयबे मैक्ना ग्रेस के लिए खुद को खोजने का एक अभ्यास है जिसमें उसका छद्म पिता गैरी पॉल पॉलरूड के साथ आना और शतरंज खेलने के अपने संस्करण से संबंधित होना शामिल है मोनिंग मर्टल केवल इसे मेलोडी एमिली एलिनलिंट कहा जाता है जब हम वास्तव में रहस्यमय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कहानी एक पीतल के गोले के इर्द गिर्द घूमती है जो प्राचीन चित्रलिपि से ढका हुआ है ये स्टेंस डैन एकरोइ के कब्जे में आता है जो इसे आगे की जांच के लिए टीम के पास ले जाता है कहने की जरूरत नहीं है इससे काफी तबाही मचती है जबकि इस बीच मेयर विलियम एथरन घोस्ट घोस्टबिस्टर्स के पीछे हैं क्योंकि हर बार जब वे किसी भूत को फंसाते हैं तो महंगी तबाही मचाते हैं वह कॉन्ट्रीटिम्स उनके फायरहाउस ऑपरेशन के अस्तित्व और साहपूर्वक आगे बढ़ने के उनके चल रहे मिशन पर सवाल उठाएगा वैसे भी जैसे जैसे कथानक आगे बढ़ता है हमें कुछ प्रोटॉन पैक्स को कार्रवाई में देखने का अजीब अवसर मिलता है पुरानी कार को अपनी गति से आगे बढ़ाया जाता है और मूल बिबेंडम भूतों को भी आसम विनाश के लिए एक प्रकार के बेलवेदर के रूप में एक या दो बार बाहर घूमने का मौका मिलता है सिनेमा की उदासी से इस पूरी तरह से व्युत्पन्न दो घंटों को बचाने के लिए यह हासन विनाश पूरी तरह से ठंडा बहुत कम और बहुत देर से दिया गया है मूल कलाकारों बिल मरे हजसन, एनी हथसन एनी पॉट्स और अक्रॉयड को वास्तव में इन सीक्वेल को वैध बनाने के लिए दिखना बंद करने की जरूरत है वे मूल पर पैच नहीं हैं और वास्तव में मृत भोड़े को कोड़े मारने की गंध आती है हालांकि मैं सिनेमा देखने की सिफारिश करूंगा कम से कम इससे दृश्यों का अधिकतम लाभ मिलता है ये टेलीविजन पर स्पष्ट रूप से औसत दर्जे का दिखेगा मैंने और मेरी बेटी ने आज आईमैक्स में घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर दो देखी कहानी मूल फिल्म से अब न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित फायर स्टेशन पर आधारित घोस्टबुस्टर्स की नई पीढ़ी का अनुसरण करती है अब भूत प्रेत निवारण से सेवानिवृत्त होकर रे एक आध्यात्मिक गिरवी की दुकान चलाता है जहां लोग अपने पास रखी वस्तुएं लाते हैं जब एक प्राचीन कलाकृति एक ऐसे राक्षस को मुक्त कर देती है जो डर को ही नियंत्रित करता है तो घोस्टबुस्टर्स उसे रोकने के लिए कार्रवाई में जुट जाते हैं गिल के द्वारा निर्देशित मॉन्स्टर हाउस फिल्म में पॉल रुड एंटमैन कैरीकून गॉन गर्फ इन वोल्फ स्ट्रेंजर थिंग्स बिल बिलमरे कैदिशेक डैनक रॉयड कैदिशेक दो पैटर्न ओसवाल द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटीक मैकेना शामिल है। ग्रेस, हैं ग्रेस द हैंडमिड स्टेल कुमेल नानजियानी स्टूबर और एरनी हर्सन द क्रो कम उम्मीदों के साथ प्रवेश करने के बावजूद आफ्टर लाइफ के बाद इसकी त्वरित रिलीज के कारण मुझे फिल्म समान गुणवत्ता वाली लगी मूल में आनंददायक संकेत हैं जिसमें कैनिबल गर्ल्स वीएचएस मूवी फ्लैश के साथ इवान रीडमैन का हृदय स्पर्शी संदर्भ भी शामिल है मुरे अकरॉयड और हडसन का उपयोग आफ्टरलाइफ की तुलना में यहां बेहतर ढंग से किया गया है हालांकि खलनायक को लगता है कि उसका उपयोग नहीं किया गया है और अग्नि देवता का संदर्भ असफल हो जाता है हालांकि कहानी अच्छी तरह से रची गई है और स्लिमर की उपस्थिति सटीक है लेकिन अंत जल्दबाजी जैसा लगता है निष्कर्षतः घोस्ट घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर चार घोस्ट घोस्टबुस्टर्स फिल्मों में सबसे कमजोर हो सकती है मैंने आफ्टरलाइफ को छह दशमलव पांच दस वेटिंग दी है और यह छह बटा दस कमाता है ये श्रृंखला के प्रशंसकों के लिए देखने लायक है लेकिन कुल मिलाकर औसत के दायरे में आता है स्पेंगलर परिवार मॉम ट्रेवर अट्ठारह फोएबेग पंद्रह और गैरी सभी घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ से अब न्यू में फायर हाउस में रह रहे हैं यॉर्क जब तक मेयर पैक मूल फिल्मों से 40 साल की शिकायत को पूरा करते हुए उन्हें बंद नहीं करना चाहता तब तक भूत प्रेत दूर हो जाता है यह एक बर्फ दानव व्यक्ति के आगमन के साथ मेल खाता है जो प्रोटॉन पैक धाराओं को स्थिर कर सकता है उफ नई पीढ़ी मूल के साथ अच्छी तरह से और व्यवस्थित रूप से विलीन हो जाती है हालांकि यह फिल्म फोबे के रूप में मैकेंजी ग्रेस की है पॉल रुड का सम्माननीय उल्लेख जिसका सहज आकर्षण उन्हें यहाँ अच्छी तरह से काम करता है विशेष रूप से रेपाक के गीतों से जुड़े एक दृश्य में घटिया हो सकता था मजा किया निकला कुनल नानजियानी हमेशा की तरह मजा किया है और ब्रिटिश हास्य अभिनेता जेम्स एकेस्टर ने एक ऐसी भूमिका में कुछ ज्यादा ही मेहनत की है जो काफी बड़ी और काफी सीधी है सच कहूं तो कहानी में घर पर लिखने जैसा कुछ नहीं है लेकिन यह कार्यात्मक है और मैं कल्पना करता हूं कि कई अन्य लोगों की तरह मैं उन फिल्मों के लिए कई कॉल बैक पर ज्यादातर समय एक बड़ी मुस्कान के साथ बैठा था जिनका मैंने उन सभी वर्षों पहले बहुत आनंद लिया था घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर 2024 हजार चौबीस तारानकन तारानकन पॉल रूड कैरीकून फिन वोलफहाड मैकेना ग्रेस पैटेन ओसवाल सेलेस्टे ओ कॉन किम एमिली एलिन लिंड जेम्स ए एकेस्टर बिलमरिक डैन एकर एवनी एनी पॉट्स विलियम एथरिन एनवाई सी उस समय गहरे सदमे में है जब एक दुष्ट दानव को आश्रय देने वाला एक प्राचीन गोला दुनिया को नष्ट करने पर तुला हुआ है तो आप किसे बुलाएंगे सही नए और पुराने शासन अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होते हैं लेकिन एक फीके के सीजीआई लाइट शो में ज़्यादा खुशी या हंसी नहीं ढूंढ पाते हैं जो किसी भी तरह का डर पैदा करने में भी विफल रहता है लेकिन गिल के नान की उदासीन दिशा और गलत फहमी के बावजूद ओजी को वर्दी में वापस देखना अच्छा लगता है जेसन वीटमैन के साथ उनकी सहयोगी स्क्रिप्ट फ्रेंचाइजी में नई जान फूंकने का प्रयास कर रही है स्पेंगलर परिवार वहीं लौट जाता है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क सिटी फायरहाउस मूल घोस्टबस्टर्स के साथ टीम बनाने के लिए जिन्होंने भूतों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए एक शीर्ष गुप्त शोध प्रयोगशाला विकसित की है लेकिन जब एक प्राचीन कलाकृति की खोज एक बुरी ताक़त को सामने लाती है तो नए और पुराने घोस्टबस्टर्स को अपने घर की रक्षा करने और दुनिया को दूसरे हिमयुग से बचाने के लिए एकजुट होना पड़ता है इसके ट्रेलर ने बहुत कुछ वादा किया था इसने आफ्टर लाइफ के उपहास के बाद फॉर्म में वापसी का संकेत दिया और जबकि यह उस बोर्फेस्ट से बिल्कुल ऊपर है फिर से ट्रेलर ने बहुत कुछ वादा किया था लेकिन तैयार उत्पाद के मामले में ये थोड़ा भ्रामक था लेकिन मुझे गलत मत समझिए अगर आप फ़्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो ये सुखद है और इसमें द रियल घोस्टबस्टर्स के बहुत सारे संदर्भ भी हैं जो हम सभी के लिए नए थे और अस्सी के दशक में पसंद किए गए थे लेकिन ट्रेलर के कारण हम चाहते हैं कि वैनकुमैन कुछ समय तक इसमें रहें वह नहीं है वह तीन या चार दृश्यों में है और फिल्म के अधिकांश भाग में वह बहुत कम काम करता है वे मज़ेदार वन लाइनर जिनके वापस आने की आपको उम्मीद थी वे सभी ट्रेलर में थे यह एकड ही है जिसने यहाँ शो चुरा लिया है वह मुख्य पात्रों में से एक है और आप अपने प्रदर्शन से बता सकते हैं कि उसे फ़्रेंचाइजी पसंद है जब भी वह और हर स्क्रीन पर होते हैं तो फिल्म एक परम आनंददायक होती है और आप पहली फ़िल्म के जादू को एक लुप्त होती भूत की तरह लौटते हुए लगभग महसूस कर सकते हैं बाकी कलाकार ठीक हैं रुडरुड की भूमिका निभा रहे हैं और स्पेंगलर परिवार की गतिशीलता फिल्म में सबसे कम दिलचस्प बात है एक प्रशंसक सेवा के लिए या एक छोटी सी फिल्म है जिसमें बहुत सारे परिचित चेहरे हैं और फ्रेंचाइजी के लिए सहमति है एक स्टैंड अलोन फिल्म के रूप में ये ठीक है लेकिन विदम्बना यह है कि फ्रोजन एम्पायर आपको जो गर्मजोशी का एहसास देता है आप उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकते घोस्ट गोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर दो निश्चित रूप से थोड़ी गड़बड़ है इसके प्रतिपक्षी को वास्तव में बाहर आने और इधर उधर जाने में कई साल लग जाते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे वह उससे पहले लंबे समय से अपने पहियों को घुमा रहा है साथ ही ये वास्तव में अपने कई पात्रों में से किसी को भी करने के लिए कुछ नहीं देता है ये स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं है कि वास्तव में इसका नायक कौन है लेकिन यह एक उचित पहनावा भी नहीं लगता है कम से कम एक एकजुट टुकड़ा नहीं मैकेना ग्रेस की फोएबिस पेंगलर संभवतः फिल्म के मुख्य किरदार के सबसे करीब है लेकिन उसकी कहानी इतनी जल्दबाजी और बेतरतीब है और कष्टप्रद रूप से विचित्र है बस उसे भगवान के लिए अपनी भूत प्रेमिका को चूमने दो कि यह कुल मिलाकर संतोषजनक नहीं लगता इतना सब कुछ कहने के बाद फिल्म अपने दूसरे अभिनय के दौरान काफी मजेदार है और व्यापक कलाकारों के भीतर कोई वास्तविक कमजोर कड़ियाँ नहीं है हालांकि बिल मरे न्यूनतम कार्य करते हैं तीसरा भाग दुखद रूप से एक दूसरे के बगल में खड़े घोस्टबस्टर्स में बदल जाता है और अपने प्रोटॉन पैक के साथ खलनायकों को नष्ट कर देता है लेकिन इससे पहले कुछ उपयुक्त दरावने दृश्य होते हैं आश्चर्यजनक रूप से वायुमंडलीय शुरुआत सहित और कुछ वास्तव में मनोरंजक भी होते हैं क्षण हालांकि यह कुल मिलाकर बहुत मजेदार नहीं है अंततः यह एक बुलक कर लेकिन काफी ध्यान भटकाने वाला फ्रेंचाइजी विस्तार है जो ज्यादातर चाबियों के सेट की तरह अपने दर्शकों के सामने आईपी को लटका सकता है लेकिन ऐसा करते समय उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और ईमानदार मुस्कान होती है अक्सर ऐसा महसूस होता है कि यह भूत प्रेत के कणों और चीजों के बारे में बकवास शब्दजाल के एक एक दृश्य से कुछ अधिक है लेकिन इसमें कई मनोरंजक दृश्य हैं और आमतौर पर यह आपको बांधे रखता है हालांकि ये बहुत लंबा है घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर दो मूवी समीक्षा घोस्ट बस्टर्स फ्रोजन एम्पायर रिव्यू घोस्ट बुस्टर्स आफ लाइफ की टीम अगली कड़ी घोस्ट बुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर के लिए फिर से एकजुट हुई है इसमें बर्फ और आग जोड़ी गई है लेकिन आत्मा की कमी है भले ही यह आत्मा चोरी की कहानी है फिर भी इसे अपनी आत्मा नहीं मिल पाती है भगवान जानता है कि कुछ स्थानीय दृश्यों को फिर से बनाने का विचार कहां से आया लेकिन इसने सकारात्मक पक्ष पर काम किया इस सीक्वल में कुछ आश्चर्य हैं जो सुखद हैं लेकिन इसके अतिविश्लेषण भाव से यह हाथ है जैसा कि अपेक्षित था समापन बचाव के लिए आया जो वैसे भी एक दृश्य उपचार प्रदान करने वाला था हालांकि यह उस हिस्से को बहुत अच्छी तरह से करता है खैर वहां ठंड कम है और आग का उपयोग कम है जो अनुभव करने के लिए एक जबरदस्त बात है नर्म पक्ष पर यह हमें पुरानी यादों का हल्का सा स्पर्श छोड़ने में कामयाब रहा घोस्ट घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर घोस्ट घोस्टबुस्टर्स आफ्टर लाइफ की घटनाओं के तीन साल बाद स्थापित किया गया है क्योंकि पुराने गिरोह में कुछ नए सदस्य शामिल हो गए हैं अफसोस की बात है कैलिक कैरीकून प्रतिद्वंद्वी को खुश करने के लिए अपने सबसे अच्छे स्पेंगलर फोएबेक मैकेना ग्रेस को बेंच पर बैठा देती है और गिरोह के बाकी सदस्य भूतों का भंडाफोड़ करना जारी रखते हैं अपनी बोरियत के दौरान फोएबे की दोस्ती एक लड़की भूत मेलोडी एमिली एलिनलिथ से होती है जो उसे शतरंज में हरा देती है हालांकि फोबे को मेलोडी की वास्तविक योजना के बारे में पता नहीं है जो गर्राका को उसके बाद के जीवन में मुफ्त पास के बदले में मदद करना है फोएबे को मूर्ख बनाया जाता है और गर्राका उन सभी पर हावी हो जाता है और पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए आता है इसलिए दुनिया को बचाने के लिए अनुभवी घोष्टस्टर्स को अपने नए रंगरूटों के साथ सेना में शामिल होना होगा यह विचार आमतौर पर पूर्वानुमानित है क्योंकि हमारे पास भूतों को पकड़ने के वही पुराने तरीके हैं और फिर कोई दुनिया को नष्ट करने के लिए आ रहा है इतना ही नहीं बल्कि एक व्यावहारिक प्रस्तुति भी दिनांकित है वही कार वही स्पेंगलर वही हथियार और वही स्थान भी हमारे पास पीतल एक नई चीज के रूप में आ रहा है लेकिन आप चर्मोत्कर्ष में देखेंगे कि इससे वास्तव में कोई मदद नहीं मिली भूत होने के बारे में सबसे बुरी बात क्या है फोयबे पूछता है जिस पर मैलोडी जवाब देती है मैं हमेशा सोलह साल की रहूंगी खैर यह आमतौर पर लड़कियों जैसा है लेकिन रुकिए अगले ही पल वह सब भूतिया चीजें होती हैं जब फोएबे पूछता है और सबसे अच्छा हिस्सा क्या है और मेलोडी बस कहती है ऐसा कर रही हूं और गायब हो जाता है मुझे कहना ही होगा हास्य का भरपूर उपयोग करें काश उन्होंने इस तरह की कुछ और मज़ेदार पंक्तियां जोड़ी होती और हमें आकर्षित किया होता फ़्रोजन एम्पायर का खलनायक एक ऐसा सुधार है जो पिछली कई फिल्मों को मात देता है लेकिन दुख की बात है कि यह कथा के अंतिम तिमाही में दिखाई देता है जिससे हमें इससे परिचित होने का बहुत कम मौका मिलता है फायरमास्टर उन्हीं पुराने सिद्धांतों के साथ आता है जिन्हें आपने एक दशक से अधिक समय से एमसीयू और डीसीयू फिल्मों में देखा है फ्रोजन एम्पायर में बड़े कलाकार हैं लेकिन किशोरी मैकेना ग्रेस अधिकतम स्क्रीन स्थान और सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन उपस्थिति के साथ आगे बढ़ती है एमिली एलिन लिंड उर्फ़ मेलोडी लंबे समय से वहां नहीं थी लेकिन उन्होंने एक ठोस प्रभाव छोड़ा है यानी कई प्रमुख कलाकारों से अधिक पॉलरूड और कैरी कून को अलग दिखने लायक शायद ही कोई दृश्य मिल सका फिन वुल्फ़ हाथ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं लेकिन कुमेल नांजियानी ही ध्यान आकर्षित करते हैं कोई भी निर्देशक बिलमरे को इस तरह बर्बाद नहीं करता यह उनके व्यक्तित्व और उस चरित्र के साथ एक भयानक अन्याय है जिसे हम घोस्ट बस्टर्स फ़्रेंचाइज की शुरुआत से जानते हैं डैन अक्रॉयड के पास अभी भी वह एक शॉट बचा हुआ था जबकि एल्नी हटसन पुराने जाम में ठीक से फ़िट हो गया था एरिक स्टीलबर्ग की सिनेमेटोग्राफी आपको इवान रीडमैन की उन्नीस की ब्लॉकबस्टर के उन फ्रेमों में वापस ले जाती है अंतिम अनुक्रम रीटमैन की सदाबहार फिल्म के समान है हालांकि उत्साहहीन पटकथा और नीरस संवाद आप किसे बुलाएंगे से मेल खाने में विफल रहते हैं यहां जादू अंतिम एपिसोड में दृश्य प्रभाव अच्छे हैं और अन्यथा काफी अच्छे हैं नाथन और लफ और शेन रीड ने लगभग दो घंटे की फिल्म को काटा जो बीच में रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ती है वे इसे मनोरंजक बनाने के लिए पंद्रह मिनट इधर उधर काट सकते थे ध्वनि डिजाइन उत्पादन मूल्य और सेट उस समय के लिए ठीक लग रहे थे यदि आप कुछ आश्चर्यजनक की उम्मीद कर रहे थे जहां तक विभिन्न आयु समूहों के लिए मनोरंजन का सवाल है गौस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर काफी हद तक गिलकेनन की आखिरी क्रिसमस कॉमेडी के ही क्षेत्र में है यहां उन्हें थोड़ी प्रशंसक सेवा करनी थी और उन्होंने वह काम बखूबी किया यह आधुनिक कहानी और नए विचार हैं जो गायब लग रहे थे फिर भी केनान आपको दूसरों की तरह मौत के घाट नहीं उतारता फ्रोजन एम्पायर उस अर्थ में काफ़ी मनोरंजक है लेकिन फ्रेंचाइज को पुनर्जीवित करने के बोझ को देखते हुए थोड़ा कम है रेटिंग पांच दस में घोष्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ के बाद बहुत उत्साहित था कि मूल लोग इसमें शामिल हैं कि कहानी अच्छी थी कि पात्रों में क्षमता थी या एक घोषर पुनर्जागरण था तो इस सीक्वेल को उन सभी जालों में फंसते हुए देखने की मेरी हताशा की कल्पना करें जिनमें एक सीक्वेल फंस सकता है सबसे पहले कहानी इसका कोई मतलब नहीं था ऐसा महसूस हुआ जैसे पिछली चार फिल्में खाने के बाद स्लिमर का एक टोप्लाजम पुनर्जीवित हो गया था हम उस पर विचार नहीं करेंगे बेतरतीब प्राचीन बुराई कुछ नए गैजेट कुछ नए पात्र लेकिन वास्तव में ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बस उन्हें कहीं से गिरा रहे थे मुझे कुमिल नानजियानी और पैटन ओसवाल दोनों पसंद हैं लेकिन इस फिल्म में उनकी जरूरत नहीं थी मुझे मूल कलाकार पसंद हैं लेकिन कथानक से किसी भी प्रासंगिकता के बिना उन्हें अपमानित किया गया और वे अधिक से अधिक सामान डाल रहे थे इस उम्मीद के विपरीत कि हम कम से कम एक के साथ जुड़ेंगे स्लिमर आग के खंभे ईपीए e. इंस्पेक्टर अब मेयर सचिव अधिक से अधिक लोग जो कुछ भी नहीं करते थे और जिनका कोई मतलब नहीं था उन्होंने किशोर क्रोध सौतेले माता पिता की हताशा वे सभी चरित्र जोड़े जिनके बारे में वे सोच सकते थे अंत में यह एक फूली हुई गंदगी थी जो कोई सहानुभूति और कोई रोमांच पैदा नहीं कर रही थी और बहुत सारे विचार उन्होंने जोड़े उन्होंने उनके साथ कुछ नहीं किया सबसे दूसरा पात्र उन्हें जोड़ने के बाद उन्होंने उनके साथ कुछ नहीं किया एकमात्र चीज जिसका मुझ पर कोई प्रभाव पड़ा वह हेमिली एलिनलिंड का किरदार था मुझे गलत मत समझिए उन्होंने भी उसके साथ कुछ नहीं किया लेकिन कम से कम उसे कुछ समझ तो आए ताबूत में आखिरी की विशेष प्रभाव ओह वे बुरे नहीं थे मुझे यकीन है कि इसे फेक्स टीम को खुद पर बहुत गर्व था लेकिन लगभग कोई भी प्रभाव कहानी की सेवा नहीं कर रहा था जो चीज़ें भयावह होनी चाहिए थीं वे नहीं थीं जो चीज़ें मजेदार होनी चाहिए थी वे थीं उन्होंने कई दिलचस्प भूत प्रस्तुत किए लेकिन केवल वही भूत थे जिन्होंने कुछ किया या तो वह लाल चमकदार बिंदु वाला था या वह जिसने अंततः कुछ किया और उसका प्रभाव स्क्रीन से बाहर रह गया उनमें से बहुतों ने बिल्कुल कुछ नहीं किया इसमें एक रोमांटिक कॉमेडी में चेखव की बंदूकों के मैट्रिक स्तर का प्रभाव था जहां उनमें से किसी को भी गोली नहीं चलती है निचली पंक्ति बर्बाद क्षमता का एक आश्चर्यजनक स्तर यह एक छोटे बच्चे को खिलौनों से भरे कमरे में छोड़ने और पूरे समय एम्बुलेंस सायरन के साथ खेलने के बराबर है यह फिल्म एक वस्तु की तरह महसूस हुई जिससे सारी मानसिक ऊर्जा निकाल ली गई इसमें कोई आत्मा नहीं थी उन्नीस सौ चौरासी की घोस्टबुस्टर्स उचित फिल्म निर्माण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है चालीस साल पहले बनी मूल घोस्टबुस्टर्स आज भी अद्भुत लगती है इस बात पर विचार करते हुए कि सीजीआई कितना विकसित हुआ और सौ डॉलर मिलियन के बजट पर बना मुझे ये कहते हुए खेद है कि घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर भयानक लग रही है मुझे लगता है कि अधिकांश बजट अभिनेताओं को भुगतान करने में चला गया हॉलीवुड का क्या हुआ अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म में बहुत सारे किरदार हैं मेरा मतलब है नरक वहां इतने सारे थे कि उन सभी पर नजर रखना मेरे लिए कठिन था इन सभी पात्रों के लिए एक फिल्म में पर्याप्त जगह नहीं थी डैन अकॉयड एनी हडसन बिलमरे एनी पॉट्स की अपनी मूल भूमिकाओं को दोहराते हुए वापसी के साथ यहां काफी पुरानी यादें हैं और स्लिमर भी वापस आ गया है दुर्भाग्य से वे सभी इस फिल्म में जगह से बाहर दिखे और मेरी राय में उन्हें केवल मूल फिल्म को श्रद्धांजलि देने के लिए जोड़ा गया था घोस्ट घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर आलसी फिल्म निर्माण का एक प्रमुख उदाहरण है कुछ फिल्में सीजीआई के साथ अद्भुत लगती हैं लेकिन ये फिल्म वास्तव में भयानक लगती है यहां भी शायद ही कोई व्यवहारिक प्रभाव है सब कुछ सीजीआई है ऐसा लगता है मानो फिल्म को किसी स्टूडियो में शूट किया गया हो और पोस्ट प्रोडक्शन में सब कुछ जोड़ा गया हो अभिनय ठोस नहीं लग रहा था पात्र नीरस थे और उनके मूर्खतापूर्ण वन लाइनर्स को तोड़ना बहुत कष्टप्रद था और आधार ये था फिर से यह क्या था पर्याप्त कथन फिल्म एक प्राचीन बुराई से युक्त एक गोले के बारे में है जो घोस्टबस्टर्स के कब्जे में है गोला नदीम रजमादी का था जिनके परिवार के पास विभिन्न कलाकृतियां हैं यह चरित्र स्पष्ट रूप से मूल गोस्टबस्टर्स के लुई लुईटूली चरित्र पर आधारित था जिसे रिक मोरानिस ने चित्रित किया था दुर्भाग्य से नदीम चरित्र उतना प्रभावी नहीं था और यह बेशर्म कॉपी पेस्ट चरित्र आलसी फिल्म निर्माण आलसी स्क्रिप्ट लेखन का एक और उदाहरण था और फिर पंद्रह साल की फोएबे है जिसे नाबालिग होने के कारण भूत प्रेत से दूर कर दिया गया है वह एक भूत से दोस्ती करती है और यहीं पर उन्होंने भावनात्मक गहराई का प्रयास किया लेकिन अफसोस अक्सर थप्पड़ों से भरी फैंटेसी कॉमेडी में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी जीवंत हो रही शेर की मूर्तियाँ वापस आ गई हैं पुस्तकालय का भूत वापस आ गया है ओह और देखो वे छोटे मार्शमेलो आदमियों से मिनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ओह पहले से ही बहुत हो गया अब तक आप शायद ये जान चुके होंगे कि मुझे ये फिल्म पसंद नहीं आई वास्तव में गोस्टबस्टर्स फ्रेंचाइजी की एकमात्र फिल्म जो मुझे पसंद आई वह मूल थी मुझे फ्रोजन एम्पायर भी पूरी तरह से भूलने योग्य लगा मैं मूल घोस्टबुस्टर्स का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और कुछ घोस्ट बस्टर सीक्वल का कम प्रशंसक हूं लेकिन यह एक सीक्वेल बहुत अधिक है इस नवीनतम और उम्मीद है कि आखिरी सीक्वल ने अपना पूर्व गौरव और मजा खो दिया है बुरा हास्य काफी व्यक्तिगत है मैं केवल अपना अनुभव साझा कर सकता हूं और मैं एक बार भी नहीं हंसा एक मुस्कुराहट या मुस्कुराहट तक नहीं और मैं मूल के साथ अपना सिर हंसा बस इतना कह रहा था अधिक बुरा हाँ हमें पुराने घोस्ट घोस्टबुस्टर्स क्रू का थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिलता है लेकिन मूल भोस्टबुस्टर्स क्रू अब सहायक भूमिका में है और बिलमरे का भूमिका इतनी छोटी थी कि मुझे आश्चर्य हुआ कि वह इस सीक्वल में सबसे पहले क्यों शामिल हुए हमें जो कुछ देखने को मिलता है वह अज्ञात युवा अभिनेताओं का एक समूह है जो अपने युवा वर्षों में बिलमरे और डैन क्रोड की जिंदादिली और बुद्धि की जगह नहीं ले सकते आप सभी मूल भोस्टबुस्टर प्रशंसकों से सावधान रहें यदि आपकी उम्मीदें अधिक हैं तो यह फिल्म निराशाजनक होगी मैं मूल के किसी भी प्रशंसक को इसकी अनुशंसा करने का साहस कभी नहीं करूंगा आपको चेतावनी दी गई है अन्य सभी युवाओं को जिन्होंने कभी मूल घोसबस्टर्स नहीं देखी है मेरी पहली सलाह ये होगी कि वे इस नवीनतम सीक्वल को न देखें बल्कि उन्नीस के शानदार और प्रफुल्लित करने वाले मजेदार मूल घोसबस्टर्स को देखें एक स्थायी फ़्रेंचाइजी घोसबुस्टर्स की नवीनतम प्रविष्टि में फ्रोजन एम्पायर स्पेंगलर परिवार ने प्रतिष्ठित फायरहाउस में फिर से डेरा डाला है शुरुआत में एक एनवाईसी सीवर ड्रैगन से लड़ रहा है और अंततः तेज़ आवाज और धुंधली विशाल ऊंचाई वाले एक स्टॉक राक्षस से लड़ रहा है नवीनतम घोष्ट एक ऐसे फार्मूले को खोजने की कोशिश में निहित निरर्थकता का प्रतीक है जो हमारी संस्कृति की सबसे प्रिय कॉमेडी हॉरर फिल्मों में से एक को दोहराता है लेकिन नवीनीकृत करता है यहां तक कि मूल बस्टर्स बिल मरे और डैन अक्रॉय के साथ भी इस नए संस्करण में उस पहले संस्करण की व्यंग्यात्मक खुशी और यकीनन एक या दो बात के प्रयासों का अभाव है चूंकि इसके पुनर्निर्माण के लिए पात्रों की भूमिका बहुत बड़ी है इसलिए ये घोष्ट बस्टर्स उन कर्मियों की एक गर्म गड़बड़ी के रूप में योग्य है जिन्हें लटका दिया गया है और कभी कभी किस उद्देश्य के लिए जूतासीन की घटनाएं होती हैं यह मेरे लिए स्पष्ट नहीं है मैं अपने सहकर्मियों से अलग दिखूंगी और बेटी फोयबे मैकेना ग्रेस गोल चश्मे वाली सांवली हैरी पॉटर के बारे में सोचो और एक बड़े दिमाग वाली जो एक सिर्फ़ जैसी भूत एमिली एलिनलिंड के प्यार में पड़ जाती है की तरह हूं जिसका संबंध लेखक निर्देशक गिल के नान और सहलेखक जेसन वीडमैन में लेस्बियन एक्शन को बिल्कुल नए रूप में पेश करने का साहस नहीं है बहुत बुरा क्योंकि फ़िल्म को गंभीर अद्यतनीकरण की आवश्यकता है बार बार आने वाले अंतरपीढ़ीगत अच्छे व्यक्ति के रूप में पॉल रूड के पास खुद को स्पेंगलर परिवार में शामिल करने की कोशिश करने और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा बाहरी व्यक्ति फोएबे के लिए जगह ढूंढने के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है रुडेंटमैन की भूमिका से ज्यादा कुछ नहीं जोड़ता है ओह ठीक है वह एक अच्छा लड़का है लेकिन फिर भी यह हानिकर किस्त अच्छी है एक बार आशाजनक फ्रेंचाइजी का एक सुस्त विस्तार अब समय आ गया है कि मरे खुद एक भूतिया उपस्थिति बनें और कुछ आवश्यक कटाक्ष कर करें लेकिन अपनी आत्मा को समर्पित न करें घोस्ट घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर उस गौरव की याद दिलाती है यह लिखना दिलचस्प होगा क्योंकि लगभग एक हफ्ते बाद मैं अभी भी निश्चित नहीं हूं कि मैं घोस्ट घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर के बारे में कैसा महसूस करता हूं मैं ये नापसंद नहीं था मुझे लगता है लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं आया आइए ढूंढते हैं अब न्यूयॉर्क में घोस्ट बस्टर्स के रूप में स्थापित स्पेंगलर परिवार और गैरी पॉल रोड एक प्राचीन बुराई के ख़िलाफ़ लड़ाई में उतर जाते हैं जब नदीम कुमेल नाजियानी क्रेस्टेंस को एक रहस्यमयी गोला बेचता है इस बात से अनजान की यह एक वर्णक्रमीय शक्ति के लिए जेल है जब इसे खोला जाता है तो दुष्ट आत्मा न्यूयॉर्क को फीट करके और फायर स्टेशन की रोकथाम इकाई से भूतों को मुक्त करके एक सेना जुटाने की योजना बनाती है मुझे लगता है कि मेरी समस्या ये थी कि यह एक नई फिल्म के बजाय एक महानतम हिट्रीमिक्स जैसा लगता है धड़कने वही हैं नदीम की अनैच्छिक शक्ति विरासत मूल में लुईस टुली को प्रतिबिंबित करती है तब तक नियंत्रण जब तक भूतों की एक धारा को फिर से बंद नहीं कर दिया जाता जैसा कि पहले में था विलियम एथरन एक सरकारी अधिकारी हैं जो उन्हें फिर से बंद करना चाहते हैं लाइब्रेरी में भूत वापस आता है स्लिमर वापस आता है रुके हुए मार्शमेलो आदमी वापस आते हैं पिछली फिल्म के दो पात्र सेलेस्टे ओ के लकी और लोगन किम के पॉडकास्ट को बेरहमी से फिल्म में वापस लाया गया है और केवल वहां रहने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है हालांकि सबसे अपवित्रतापूर्ण पहलू यह है कि इसमें वास्तव में मूल कलाकारों की आवश्यकता नहीं है वास्तव में जितना अधिक समय हम उनके साथ बिताते हैं उतना ही कम समय हमें अधिक दिलचस्प गतिशीलता के साथ बिताने के लिए मिलता है जो कि नया है कलाकार अपने मिश्रित परिवार को एक नई उच्च दबाव वाली सेटिंग में काम करने की कोशिश कर रहे हैं विंस्टन द्वारा उन्हें वित्तपोषित करना एक तरह से समझ में आता है और वे उनके लिए गोला और बुराई के बारे में पता लगाने का एक अच्छा तरीका था लेकिन बिल मरे और एनी पॉट्स वास्तव में व्यस्त फिल्म में सिर्फ दो और पात्र हैं जो बहुत कम परोसने वाले दृश्यों में खड़े होते हैं उद्देश्य लेकिन निरंतर पुरानी यादों से दूर फिल्म के कुछ पहलू हैं जिनका मैंने काफ़ी आनंद लिया मैकेना ग्रेस अभी भी महान है और हालांकि उन्हें भी एक चरित्र भारी कहानी द्वारा दरकिनार कर दिया गया है फिन वल्फहार भी अच्छे हैं मुझे जेम्स एकेस्टर और घोस्ट लैब पसंद आए दृश्य प्रभाव काफ़ी अच्छे हैं और कभी कभी एक या दो मजाकिया पंक्तियाँ भी होती हैं मुझे केंद्रीय परिवार पसंद है भले ही गतिशीलता अजीब हो क्या गैरी और कैली रोमांटिक रिश्ते में हैं फिल्म उनके सरोगेट पिता होने के बारे में बात करती है लेकिन उनके युगल होने के बारे में नहीं यदि कोई अन्य घोष बुस्टर्स फिल्म बनती है और ऐसा लगता है कि हो सकती है तो मैं वास्तव में विरासत के पात्रों के बजाय उन पर केंद्रित फ़िल्म को प्राथमिकता दूंगा मुझे लगता है कि यह ठीक है लेकिन थोड़ी कम पुरानी यादों के साथ यह और भी बेहतर हो सकता था भगवान मुझे याद है जब घोस्टबस्टर्स मजाकिया हुआ करते थे आपके लिए वह चालीस साल पहले की बात है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कभी कहूंगा लेकिन 2016 हज़ार सोलह का घोस्टबस्टर्स दुखद रूप से निराला रीबूट एसपीओस से कहीं बेहतर था और इस हास्यास्पद घटना के पाँच मिनट बाद भी ये दाएं पैर से शुरू नहीं हुआ मुझे पहले से ही इससे नफ़रत थी मैं समझता हूं कि हॉलीवुड वास्तव में पुरानी यादों और विरासत वाले किरदारों को तब तक अपने पास रखने की बेताब कोशिश कर रहा है जब तक कि वे खुद भूत न हों मैं बस यही चाहता हूं कि निकोल किडमैन के भयानक एएमसी परिचय की तरह वे इस अध्याय को अतीत में फीका कर दें वास्तव में वे पहले ही घोष्टस्टर्स आफ्टर लाइफ के साथ ऐसा कर चुके हैं और कमान संभालने के लिए कई नए उबाऊ पात्रों को पेश कर चुके हैं नहीं वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं इस फिल्म का प्रत्येक भाग ओह याद है जब हमने इसे दृश्य संगीत संकेत बिट बहुत बेहतर तरीके से किया था खैर ये फिर से है इस अत्यंत नीरस अध्याय में घोस्टस्टन परिवार एनवाईसी में वापस आ गया है और वही फिल्म घटित होती है जो आपने उन्नीस में देखी थी केवल इस बार भयानक और अनपेक्षित पात्रों के साथ जो मेज पर कुछ भी नया नहीं लाते हैं इसके अलावा कोई माफी नहीं मानता मैं वास्तव में उस मां के चरित्र से बहुत नफ़रत करता था बस उसे बाहर निकालना था ये फ़िल्म असमान है खराब तरीके से लिखी गई है किसी अंधे व्यक्ति द्वारा संपादित की गई है और इसमें स्पष्ट रूप से प्रमुख दृश्य गायब हैं क्योंकि चीज़ें बस होती रहती हैं एकमात्र प्रशंसा जो मैं संभवतः कर सकता हूं वह आपराधिक रूप से कम उपयोग किए गए कुमल नाजियानी के लिए है जो हमेशा मुझे कम से कम हंसने पर मजबूर कर देता है डैन अकर बिलमरेक पैटर्न ओसवाल और पॉल रूट जैसे सभी सिद्ध मजाकिया लोगों के साथ नाजियानी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास हास्य या आशा का एक अंश था मुझे गंभीरता से भाग छः की परवाह नहीं है मेरा काम इस फ्रेंचाइज से खत्म हो चुका है इसे उन्नीस में गोस्टबस्टर्स दो के साथ समाप्त हो जाना चाहिए था और वह भी कुछ कदम दूर था तारानकन 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 अंतिम विचार बहुत अधिक रैंकिंग नहीं क्योंकि केवल एक ही महान है लेकिन यहां बताया गया है एक घोस्ट बुस्टर्स एक नौ आठ चार दो घोस्ट बुस्टर्स दो एक नौ आठ नौ तीन घोस्ट बुस्टर्स आफ्टर लाइफ दो शून्य दो एक चार घोस्ट बुस्टर्स दो शून्य एक छ पांच घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर दो हजार चौबीस पार्टना गैरी पॉल रुड और कैली कैरीकून की अगुवाई वाली नई घोस्ट बस्टर्स टीम कैली के, के बच्चों ट्रेवर फिन वोल्फहाड और फोएबे मैककेना ग्रेस के साथ मिलकर न्यू को आतंकित करने वाली कुछ अलौकिक ताकतों से निपटती है यॉर्क सिटी जिससे इस प्रक्रिया में थोड़ी क्षति हुई और नए मेयर वाल्टर पैक विलियम एथरन का गुस्सा बढ़ गया जिससे फोएबे को विशेष रूप से घृणा का सामना करना पड़ा हालांकि मूल घोसबस्टर रेस्टैंस डैन एक के पास उनके प्रति हर किसी के स्नेह को पुनः प्राप्त करने की कुंजी हो सकती है जब उसके पास एक रहस्यमयी गोला गोरोका की आत्मा को उजागर करता है जो एक प्राचीन देवता है जो शहर को एक गहरी ठंड में डुबाने की शक्ति रखता है 2021 की घोस्ट बुस्टर्स आफ्टर लाइफ के बाद लेखक निर्देशक गिल केनन प्रतिष्ठित मूल फिल्म की रिलीज के 40 साल बाद इस फ्रेंचाइजी को बड़े पर्दे पर वापस ला रहे हैं और श्रृंखला को चालू रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं वर्तमान सितारों और मूल अभिनेताओं की एक चौराहे पर मुलाकात के साथ यह एक अजीब प्रतिबिंब है कि श्रृंखला कितनी दूर आ गई है और यह कहाँ अटक सकती है सभी मूल सितारों के साथ साथ नए कलाकारों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है यह एक जरूरत से ज्यादा भरा हुआ अंडा है जिसके परिणामस्वरूप इसमें बहुत सारे पात्र हैं और यह स्पष्ट रूप से अभी भी अपने मूल स्रोत सामग्री से बहुत चिपका हुआ है एक बड़ी स्क्रीन दृश्य तमाशा के रूप में यह अभी भी एक प्रभावशाली गहन अनुभव है जिस तरह की चीज के लिए तीन डी बनाया गया था और इस मोर्चे पर यह पूरे परिवार के लिए एक मज़ेदार दिन प्रदान कर सकता है फिर विशेष प्रभाव इसे एक प्रकार की मजेदार सवारी बनाते हैं लेकिन निसंदेह वे कमजोर सपाट कथानक और निराले थोपे गए हास्य की भरपाई नहीं कर सकते जिसे मूल ने इतनी सहजता से प्रबंधित किया जबकि विंस्टन जेड डेमोर जो अब एक उद्यमी है के रूप में मूल सितारे एक्रॉइड और एर्नी हथसन पूरी चीज को यथासंभव बेतहाशा अपनाते हुए प्रतीत होते हैं अजीब बात है कि इसके मूल प्रतिद्वंद्वी मरे और एथरन जो अधिक अनिच्छुक लगते हैं एथरन के आरसी के साथ नौकरशाही पैकअप और अधिक अजीब तरीके से सम्मिलित हो गए हैं दृश्यों में जबकि मरे अंत में लगभग आधे घंटे तक दिखाई देते हैं सितारों के बीच परियोजना में विश्वास का यह असमान वितरण पूरी चीज के बारे में कई परेशान करने वाली चीजों में से एक है यदि आप विशेष रूप से न मान करने वाले मूड में हैं तो यह है एक सभ्य आकर्षक मजेदार सवारी प्रदान करता है लेकिन फ्रेंचाइजी को चालू रखने और गुणवत्ता को पीछे ले जाने देने में व्यावसायिक हित से परे सतह के नीचे बहुत कम है तारानक घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर नवीनतम घोस्ट बस्टर्स फिल्म है और इसमें पॉल बिल डैनकर एनी पॉट्स मैकेजी ग्रेस एरनी हडसन और फिन वुल्फहार्ड शामिल हैं कहानी एक प्राचीन भूत पर केंद्रित है जो बदला लेना चाहता है क्योंकि उसके पास पूरे मैनहट्टन शहर को फ्रीज करने की शक्ति है इस बीच फोबे की दोस्ती मेलोडी नाम के एक भूत से हो जाती है जो शायद अविश्वसनीय है क्या गिरोह दुष्ट भूत को रोक पाएगा कुल मिलाकर मैंने इस फिल्म का आनंद लिया सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी अभिनय अच्छा था और मुझे कहानी से कोई दिक्कत नहीं थी इसके कुछ हिस्सों ने मुझे केवल लिंक के आधार पर झुके हुए कैस्पर की याद दिला दी सभी ओजी घोटबुस्टर्स को दोबारा देखकर भी अच्छा लगा अगर आपको ये चारों फ़िल्में पसंद आईं तो इसे एक बार जरूर देखें घोस्ट घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर दो हज़ार चौबीस लाइफ की अगली कड़ी अपने पूर्ववर्ती जितनी अच्छी नहीं थी लेकिन निश्चित रूप से उतनी बुरी नहीं थी जितना मैंने सोचा था मेरे द्वारा पढ़ी गई कुछ नकारात्मक समीक्षाओं के बाद ये कुछ इस तरह का रहा है उस प्रकार की अगली कड़ी बनाई गई है जो नए आधार नहीं बनाती है लेकिन यह घोस्ट घोस्टबुस्टर्स फ़िल्म के रूप में काम करती है और वे वास्तव में कभी भी शुरू करने के लिए उत्कृष्ट कृति नहीं थी फ्रोजन एम्पायर कई नए पात्रों का परिचय देता है और वे समग्र अनुभव में मजा लाते हैं केवल बिल मरे ही पूरे मामले में ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद में चल रहा हो और एक दोस्त भूत वाला हिस्सा फिल्म का मुख्य आकर्षण था कुल मिलाकर फ्रोजन एम्पायर एक बहुत ही सुरक्षित सीक्वेल है और हालांकि इसमें कुछ भी नया नहीं है लेकिन यदि आप श्रृंखला के प्रशंसक हैं तो यह निश्चित रूप से एक बार देखने लायक है मैं इसका प्रशंसक नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझे ये थोड़ा बहुत पसंद आया चालीस साल पुरानी फ्रेंचाइजी में नवीनतम अंतिम प्रविष्टि के अधिकांश कलाकारों को वापस लाता है जो अब भूत भगाने वाली जनजाति जनजातीय पॉलरूड कैरीकून से मिलकर को ढूंढता है फिन वोल्फहाड और मैकेना ग्रेस और अधिक हरकतों के लिए वापस आ गए हैं जो अपने शुरुआती साल वो एक ड्रैगन जैसी इकाई को फंसाकर शहर भर में भगदड़ मचाते हैं के कारण उन्हें मेयर लौटने वाले पशु चिकित्सक विलियम एथरन के साथ गर्म पानी में ले जाता है खासकर तब से ग्रेस कम उम्र की है और प्रभावी रूप से उसे दरकिनार कर रही है इस बीच एक दुष्ट शक्ति अपने बंदियों को दुनिया में अराजकता पैदा करने के लिए रिहा करने के लिए घोस्टबुस्टर्स फायरहाउस मुख्यालय में भूत नियंत्रण के धरते बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना चाहती है जबकि ग्रेस एक दोस्ताना भूत एमिली एलिनलिन से दोस्ती करती है आखिरकार उसे एक दोस्त मिल जाता है जो उसे मिल जाता है जैसे जैसे वह अपनी उदासी को दूर करती जाती है बर्फ रंग वाले भूत का रहस्य सामने आता जाता है निश्चित रूप से पिछली किस्त से एक कदम ऊपर जो फिल्म के अंत तक नॉस्टेलजिया पोन बन गई अभी भी बहुत सारे पात्रों की समस्या है कहानी के इस बिंदु पर वोल्फ़ार्ड कॉलेज जा सकता था लेकिन नए निर्देशक गिल केनन मॉन्स्टर हाउस सिटी ऑफ एम्बर जिन्होंने जेसन रीडमैन के साथ यहाँ पिछले वाले की तरह सह पटकथा लिखी थी वह मूल के व्यंग्यपूर्ण आकर्षण को पूर्णता और संवाद में समाहित करने में कामयाब रहे जहाँ हालांकि हमारे भूत सेनानी सही काम कर रहे हैं एक की धारणा बड़ी अदायगी कभी भी संभावना के दायरे से बाहर नहीं होती घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर एक अच्छी अलौकिक कॉमेडी फिल्म है जो मुझे बहुत मनोरंजक और मजेदार लगी आफ्टर लाइफ से बेहतर खासकर तेज गति से फिल्म पिछली फिल्म के नए कलाकारों के साथ जारी है रुड और युवा वयस्कों के नेतृत्व में एक नई युवा बस्टर्स टीम अभी भी वह मजेदार हास्य है जो मनोरंजक है एक्शन सीक्वेंस मनोरंजक हैं विजुअल इफेक्ट्स भी अच्छे हैं कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया मैकेना ग्रेस अधिक सुर्खियों में है क्योंकि वह बड़ी हो रही हैं और टीम का हिस्सा बनने और बड़े होने और खुद को खोजने को लेकर संघर्ष कर रही हैं मूल कलाकार भी वापस आ गए हैं और खूब मजा आ रहा है नए चेहरों को इस फिल्म में सुर्खियां बटोरने में परेशानी हो सकती है क्योंकि एक किरदार महत्वपूर्ण है जो अपनी मारक क्षमता से मुख्य दुष्टिकाई खलनायक को रोकने में मदद कर सकता है और एक भूत जो मैकेना ग्रेसिस के चरित्र से दोस्ती कर लेता है स्क्रिप्ट ने उन छोटे किरदारों को पतला रखा फिल्म की गति बेहतर है मजेदार हास्य अधिक कार्रवाई और एक बड़ा खतरा जो इस सीक्वल को देखने लायक बनाता है खैर मुझे यकीन नहीं है कि यह फिल्म कितनी अच्छी चलने वाली है क्योंकि यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है जैसे वे जितना हो सके उतनी फ्रेंचाइजी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी एक फ्रेंचाइजी फिल्म के रूप में मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैंने वास्तव में इसका आनंद लिया निश्चित रूप से पात्रों की संख्या कुछ हद तक समस्याग्रस्त हो सकती है लेकिन मुझे नहीं लगा कि इसने फिल्म को बहुत अधिक नीचे खींचा है ठीक है निश्चित रूप से इसका मतलब यह है कि विकास थोड़ा मुश्किल था लेकिन आंशिक रूप से मुझे लगा कि यह काम कर गया वैसे भी स्पेंगलर्स मूल रूप से न्यूयॉर्क वापस चले गए हैं और पुराने फ़ायर स्टेशन में निवास कर चुके हैं और अब भूतों का भंडाफोड़ कर रहे हैं हालांकि वे थोड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं जो तब होता है जब आप न्यूयॉर्क में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बंदूकें चला रहे होते हैं और इमारतों के कुछ हिस्सों को उड़ा रहे होते हैं वैसे भी ये पता चला है कि फायर स्टेशन में भूत भंडारण सुविधा पूरी हो रही है और वे भूतों को संग्रहित करने के नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं और यह पता चला है कि एक और प्रायोगिक सुविधा विकसित की जा रही है इसके अलावा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे उजागर किया गया है जिसमें प्राचीन अतीत का एक भूत पाया जाता है और भूत कुछ जटिल चालों के माध्यम से भागने में सफल हो जाता है मुझे कहना होगा कि यह हाफ्ट लाइफ से काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ता है जैसे मैं इसकी सराहना करता हूं कि कैसे वे पुराने घोस्टबस्टर्स को वापस लाते हैं और निश्चित रूप से बिलमरे अभी भी चमकते हैं इसके अलावा डैन एक रोड के अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से भी मदद मिलती है हाँ यह एक बहुत अच्छी और काफी मनोरंजक फिल्म है जो एक अच्छी दिशा में फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाती है जेसन रीडमैन की गोस्ट बुस्टर्स आफ्टर लाइफ ने नए गोस्ट बुस्टर्स बनने के लिए एक ग्रामीण परिवार की स्थापना की जो मूल के बीच एक मिश्रण है जिसे उनके पिता इवान रीटमैन ने मुख्य विचार पुरुष डैनेकरॉयड और दिवंगत हेरोल रैमिस के साथ बनाया था और स्ट्रेंजर थिंग्स केंद्रित थे छोटे शहर के मध्य अमेरिकी किशोरों के एक समूह पर जो पितृसत्ता रीटमैन की किसी भी चीज की तुलना में स्टीवन स्पीलबर्ग के क्लासिक सिनेमा से अधिक प्रेरित हैं जबकि आफ्टर मैथ में क्षण थे वही प्राथमिक समस्या इस सीक्वल फ्रोजन एम्पायर में भी मौजूद है वहां कोई वास्तविक प्रवाह नहीं है अब न्यूयॉर्क सिटी सेट चरित्र विकास और उनके काम को खत्म करने वाले भूतों के बीच ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये पात्र साधारण गतिविधि से संबंधित किसी भी चीज का हिस्सा हैं यही कारण है कि वास्तविक जीवन में भूत संकी दैनिक रॉयड हैं कहानी का अधिक हिस्सा एक शांत चाचा के रूप में मूल के शानदार हर आदमी बिलमरे की तुलना में जो कुछ संक्षिप्त दृश्यों में फोन करता है जो थोड़ा भी मजाकिया नहीं है केंद्रीय व्यक्ति फिर से रामिस के एगौन की पोती फोएबे एक है एक तरह का विज्ञान गौथ टॉम्बॉय जो जूस में विनोना राइडे की तरह भूतों से दोस्ती करता है यहाँ एक खूबसूरत युवा महिला है और इसमें ध्यान देने योग्य से अधिक समलैंगिक प्रभावित आकर्षण है जिसे या तो अधिक गहराई से जाना चाहिए था या बिल्कुल नहीं छुआ जाना चाहिए था और यही समस्या है मृत और जीवित युवतियों के बीच के दृश्य या पॉल रूट जो आफ्टरलाइफ के रिक मोरानिस थे के साथ एक नया सौतेला पिता बनने की कोशिश कर रहे दृश्य एक नीरस साहसिक कॉमेडी में बहुत कम है जो एक उदासीन में चला जाता है कान और दूसरा बाहर मैं अभी घोस्टबस्टर्स से बाहर निकला फ्रोजन किंगडम ये ठीक था मुझे ज़्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि ट्रेलरों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया लेकिन मैंने वास्तव में आफ्टर लाइफ का आनंद लिया इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद में गया अंतिम अभिनय मेरे लिए फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा है और यहां तक कि वह पूर्वानुमानित था और इसमें खामियां थीं शुरुआती 45 मिनट के दौरान मैं वास्तव में ऊब गया था हालांकि और लगभग एक घंटे और 20 मिनट में मेरे बेटे ने पूछा कि क्या मैं इसका आनंद ले रहा हूं और मैंने कहा नहीं बहुत सारे पात्र हैं वे कह सकते थे कि फिल्मुलफहाड का पात्र कॉलेज गया था और फिल्म को कुछ भी नुकसान नहीं होगा क्या हमें पॉडकास्ट और लकी बैग की भी आवश्यकता है और बहुत अधिक प्रशंसक सेवा पुरानी यादें हैं मैं स्टेपुफ मार्श मेलो पुरुषों को दोबारा कभी नहीं देखना चाहता मैकेना ग्रेस सबसे अलग हैं डैन एकडड को करने के लिए बहुत कुछ दिया गया है और पॉल रूड को देखना हमेशा मजेदार होता है लेकिन मैं अनी पौध से और अधिक की उम्मीद कर रहा था और बिल मरे सिर्फ एक कैमियो हैं पहले 80 मिनट की देरी के कारण ऐसा लगा कि ये दो घंटे से कम के रन टाइम से कहीं अधिक लंबा है ये किसी अन्य फिल्म के लिए बिल्कुल तैयार है लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए यदि वे कोई और फिल्म बनाते हैं तो उन्हें कलाकारों में कटौती करनी होगी बस्टर्स आफ्टर लाइफ दो को कई लोग घोस्ट बस्टर्स 1984 की सच्ची अगली कड़ी मानते हैं और यह गलत नहीं है घोस्टबुस्टर्स दो उन्नीस सौ नवासी एक स्पिन ऑफ की तरह है जबकि घोस्टबुस्टर्स 2016 जिसे पूरी तरह से महिला कलाकारों के साथ रीबूट किया गया है एक पूरी तरह से अलग समय रेखा समानांतर ब्रह्मांड में है दोनों ने मूल के प्रशंसकों को पूरी तरह निराश नहीं तो कुछ हद तक असंतुष्ट छोड़ दिया है इन प्रशंसकों के लिए आफ्टर लाइफ एक साधारण सीक्वेल की तुलना में पुरानी यादों को दोहराने जैसा महसूस होगा फ्रोजन एम्पायर हर मायने में आफ्टरलाइफ की अगली कड़ी है और इससे भी अधिक रॉकी ईश फ्रेंचाइजी की निरंतरता बस एक संक्षिप्त पुनर्कथन के रूप में आफ्टरलाइफ तीन नए पात्रों के साथ शुरू हुई एक अल्मा कैली कैरीकून और उसके दो बच्चे ट्रेवर फिन वोल और फोएबेक मैक्ना ग्रेस कैली घोस्टबस्टर्स में से एक एगॉन स्पेंगलर की बेटी है जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई और उसने अपनी बेटी को ओक्लाहोमा में एक गौतिक घर छोड़ दिया इस मुख्य परिवार के आसपास के अन्य नए पात्र थे स्कूल शिक्षक गैरी पॉल रूट प्यारी युवा महिला जो खुद को चौथी पीढ़ी का डंप लकी सेलेटेओ कौनक कहती है और यहां तक कि युवा लेकिन पेशेवर दिखने वाले पॉडकास्ट लोगान लोग भी थे जब तीन जीवित मूल घोस्ट बस्टर्स चरित्र और साथ ही वास्तविक अभिनेता अंततः दृश्य पर पहुंचे तो दिल को छू लेने वाला कब खत्म हो गया अब मंच न्यूयॉर्क में स्थानांतरित हो गया है जहां गैरी एक वास्तविक सौतेले पिता के रूप में स्पेंगलर परिवार में शामिल हो गया है जिसे फोबे ने दृढ़ता से स्वीकार करने से इनकार कर दिया है लगातार तीन साल आपके जीवन काल का एक छोटा सा नगण्य प्रतिशत है जैसे प्रत्युत्तर दे रहा है वे एक परित्यक फायर हाउस पर कब्जा कर लेते हैं और भूत भगाने का अपना व्यवसाय शुरू करते हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि युवा स्पेंगलर के दो दोस्त बिग एप्पल में पहुंच गए बचे हुए तीन मूलों में से विंस्टन जेडडेमोर एरनी हटसन को कथानक के लिहाज से सबसे अधिक काम करना है उसने अपनी खुद की हाईटेक अपसामान्य जांच प्रयोगशाला स्थापित की है एक अजीब पर घर जहां भूत और संस्थाएं खेलते हैं जैसे गैरी में बुद्धिमान दरार चुटकी लेने का विरोध नहीं कर सकता इसमें कलाकारों के तीन नवागंतुकों में से एक जेम्स एकेस्टर एक युवा ईश कोई बकवास वैज्ञानिक नहीं है इसके बाद न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में एक प्राचीन भाषा विशेषज्ञ मैनहट्टन ओस्वाल आता है जो मुख्य खलनायक के रहस्य को उजागर करता है आखिरी नवागंतुक कुमेल नानजियानी है जिसकी गुप्त पहचान शुरू में खुद को भी नहीं पता थी फायरमास्टर जो अंततः बुराई पर विजय पाने के लिए फोएबे के साथ मिलकर काम करता है अंतिम नवागंतुक केवल उन पात्रों से संबंधित है जो जीवित हैं वहां प्यारी किशोर भूत मेलोडी एमिली एलिन लिंड कोड ब्लैक शानदार टीवी श्रृंखला से अविस्मरणीय है और यह उसका पारिवारिक नाम है वह शुरू में एक अदृश्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में फोएबे के साथ शतरंज खेलती है जब वह अचानक बूब के साथ प्रकट होती है जिसका इरादा फोयबे को आश्चर्यचकित करने यदि डराना नहीं है तो वह खुद आश्चर्यचकित हो जाती है जब फ़ोयबे किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है खेल के साथ लापरवाही से चलती रहती है मैं कथानक और उपकथानक में नहीं जाऊंगा लेकिन बस एक स्पष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा वे दो घंटे से भी कम समय की फिल्म में इतने बड़े कलाकारों को कैसे फिट कर सकते हैं इसका उत्तर यह है कि फ़ोयबे को छोड़कर आपको बाकी सभी को थोड़ा थोड़ा ही देखने को मिलता है हालांकि आपको बहुत अच्छी हंसी आती है और एक गर्मजोशी भरी पुरानी याद आती है यह आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है या नहीं यह एक व्यक्तिगत बात है घोस्टबस्टर्स फ्रेंचाइजी गिरावट का सामना कर रही है एक नई फिल्म में एक भूत दिखाया गया है जो चीजों को जमा देता है बैडमैन के मिस्टर फ्रीज के समान ये फिल्म घोस्टबस्टर्स चार या घोस्टबस्टर्स पांच की तरह है जिसमें पिछली फिल्म की महिलाओं को कलाकारों में शामिल नहीं किया गया है पिछली घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ फिल्म छोटे शहर ओकलाहोमा में सेट की गई थी न कि उस बड़े शहर में जहां कहानी सेट की गई है कैली कैरीकून उसके साथी गैरी पॉल रूड और उसके बच्चे ट्रेवर फिन वोल्फहाड और फोएबे मैकेना ग्रेस का परिवार न्यूयॉर्क चला जाता है और भूत भगाने का व्यवसाय शुरू करता है प्रतिष्ठित कार चलाता है और मुख्यालय में है पौराणिकपूर्व फायर हाउस विंस्टन एर्नी हटसन रेक डैन एकर जेनाइन एनी पॉट्स और डॉक्टर वैंकमैन बिल मरेक के साथ पुरानी पीढ़ी बनी हुई है जो कुछ और के बारे में सोचते प्रतीत होते हैं फिल्म में कुछ हंसी मजाक और विचित्र रोमांस का प्रयास है लेकिन इसमें जीवन के वास्तविक संकेतों का अभाव है फिल्म घोस्टबस्टर्स की शुरुआत नदीम कुमेल नानजियानी नामक एक दुष्ट चरित्र से होती है जो रे को उसकी दिवंगत दादी से एक प्राचीन गोला बेचता है जो मानवता को बर्फ से चलने वाले प्रेत के अत्याचारी शासन के अधीन होने से रोकने वाली एकमात्र चीज है फिल्म में स्पिन डॉक्टर्स और मैरी टॉड लिंकन के बारे में अच्छे चुटकुले हैं जिसमें ग्रेस एक सहानुभूतिपूर्ण घोस्टबस्टर की भूमिका निभा रही है नए किरदारों में स्टैंड अप कॉमेडियन जेम्स एकस्टर एक बोफिन भूमिका में और पैटर्नोस वाल डॉक्टर वॉट्स की नामक पाताल लोक के एक शक्तिशाली विद्वान की भूमिका में हैं नाजियानी सबसे महत्वपूर्ण कॉमेडी लाते हैं हास्य और तोड़फोड़ की सही चिंगारी लाते हैं युवा दल बहुत चौड़ी आंखों वाला और मासूम है जबकि उन्नीस का वरिष्ठ वर्ग बहुत अलग है अब समय आ गया है कि हॉलीवुड घोस्टबस्टर्स फ्रेंचाइजी को जुरासिक वर्ल्ड और एक्वामैन में शामिल होने दे और कुछ नया सोचे घोस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर एक 40 वर्षीय फ्रेंचाइजी है जिसमें मूल उन्नीस ब्लॉकबस्टर से चार मुख्य पात्र 2021 हजार सेट स्पिन ऑफ स्पिनॉफ घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ से छह मुख्य पात्र हैं और तीन नए नैतांत्रिक भूतपोलिटेजिस्ट सीम वाले प्रेत का परिचय देते हैं और लघु मार्शमेलो पुरुष फिल्म अपने प्रशंसक आधार से पूछती है कि क्या वह बिल मरे के परामनोवैज्ञानिक पीटर वैंकमेन को श्रृंखला से मुक्त करने के लिए तैयार है जब उसकी आत्मा इसमें नहीं है आफ्टरलाइफ में हिरोल रैमिस के एगॉन स्पेंगलर की अलग हो चुकी बेटी कैली और उसके किशोर बच्चों फोएबे और ट्रेवर का परिचय दिया गया है अपने परिवार की मृत्यु के बाद हाई स्कूल के भौतिकी शिक्षक गैरी दो दोस्तों लकी और पॉडकास्ट और घोस्टबस्टर्स की पहली पीढ़ी रेस्टेंस विंस्टन जेड डेमोर्ट डॉक्टर वैनकमैन की मदद से परिवार ने गोजर के हत्यारे का बचाव किया और साहसी सचिव जैनीन ये फिल्म ज़रूरत से ज़्यादा भरी हुई और अनियमित रूप से मजेदार है जिसका लक्ष्य प्रशंसकों का मनोरंजन करना और घोस्टबस्टर्स की दुनिया का पता लगाना है फ्रोजन एम्पायर एक ऐसी फिल्म है जो ओक्लाहोमीज पर आधारित है जो एक्टोमोबाइल से जंगली भूतों को पकड़ने के लिए मैनहटन चले जाते हैं दल की मुलाकात एक प्राचीन भाषा विशेषज्ञ एक अपसामान्य इंजीनियर और एक गुप्त थकती थी, थी जिसमें फोएबे ग्रेट बियॉन्ड के लिए अपने स्वयं के आकर्षण की खोज कर रही थी फिल्म अपने टचस्टोन से भटकने के लिए डरी हुई लगती है जैसे कि कण धाराएं न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी स्लिमर और मरे अपनी जंजीरों को खड़खड़ाते हैं लेकिन उन्हें ऐसे तरीकों से फिर से बनाते हैं जो हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं उदाहरण के लिए स्टेप ऑफ मार्शमेलो मैन के छोटे मैगोटी संस्करण एक दूसरे को सिगरेट लाइटर से प्रताड़ित करते हैं या पॉल रूट घोस्ट बस्टर्स थीम गीत को ईमानदारी से गाते हैं जैसे कि वह अपने चिकित्सक को आश्वस्त कर रहे हों कि बस्टिंग से उन्हें अच्छा महसूस होता है घोस्ट बस्टर्स फ्रोजन एम्पायर सीमेंट्स ये फ्रेंचाइजी एक कॉमेडी बनना भूल गई है जो विदम्बनापूर्ण है क्योंकि इसमें जेम्स एकस्टर को काफी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाया गया है हालांकि ये डरावनी होने के सबसे करीब है और आफ्टर लाइफ की तरह यह हेम्बुलिन थ्रोबैक के रूप में बहुत मजेदार है सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इसमें बहुत सारे पात्र हैं हर कोई अच्छा है यहां तक कि बिलमरे भी स्पष्ट रूप से इसमें शामिल हैं ये वापसी करने वाले पात्रों मूल और कुछ नए चेहरों को संतुलित करने के प्रयास में सफल नहीं होता है जिसके परिणामक स्वरूप फिनवुल फ कोना और लोगान किम किनारे रह जाते हैं जिन लोगों को पर्याप्त मिलता है उनमें से मैकेना ग्रेस एक महान नेतृत्व बनी हुई है और पॉल रूड के साथ उनके बढ़ते रिश्ते इस बात का केंद्र हैं कुमेल नानजियानी अब तक का सबसे अच्छा नया संयोजन और यहां हास्य का मुख्य स्रोत है डैन डेनकरोयड को स्पष्ट रूप से इस किरदार में लौटना पसंद है और वह जो उत्साह लेकर आते हैं वह संक्रामक है गिल के नान का निर्देशन एक तनावपूर्ण शुरुआत के साथ मजबूत शुरुआत करता है और फिर इस फ्रेंचाइजी में एक और अच्छा कारचेस जोड़ता है उनकी सबसे बड़ी ताकत एक परिवार के अनुकूल ब्लॉकबस्टर के लिए ठोस माहौल और आश्चर्यजनक मात्रा में रहस्य के साथ अंधेरे क्षणों में निहित है इसके अलावा यह आमतौर पर सीजी और व्यावहारिक प्रभावों के साथ अच्छा लगता है जो वास्तविक बजट से कहीं आगे जाते हैं मैंने घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर पॉलरूड द एंड मैन अभिनीत फिल्में एंकरमैन फिल्में देखी कैरी कून द गिलदेड एज अंडस्को टीवी द नेस्ट मैककेना ग्रेस यंग शेल्डन आंडस्को टीवी कैप्टन मावल और फिन वुल्फहा स्ट्रेंजर थिंग्स आंडस्को टीवी द गोल्ड फिंच दो हजार इक्कीस ऑफ लाइफ ऑफ घोस्ट बस्टर्स एडवेंचर्स के बाद यह नई श्रृंखला में दूसरा है जिसमें वयस्कों के रूप में पॉल और कैरी और बच्चों के रूप में मैककेना और फिन ने अभिनय किया है वे सभी न्यूयॉर्क चले जाते हैं मूल घोस्टबस्टर्स बिल डेन एर्नी और एनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले फायरहाउस में जो सभी आते हैं और एक ख़तरनाक नए खतरे को रोकने की कोशिश करने के लिए नए लोगों के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं पिछले कुछ वर्षों में एरनी घोस्टबस्टर्स के लिए एक नए मुख्यालय पर काम कर रहा है और भूतों की देखभाल के लिए कुछ नई तकनीक विकसित कर रहा है जो तब काम आती है जब एक पुरानी कलाकृति से नया खतरा उभरता है और सब कुछ जमना शुरू हो जाता है कुछ अन्य नए चेहरे भी हैं जिनमें कुमेल नाजियानी और पैटर्न ओसवाल शामिल हैं जो लड़ाई में यथासंभव मदद करेंगे संदेश यह प्रतीत होता है कि यदि आप घोषर हैं तो नए और पुराने सभी को परिवार माना जाता है एक दृश्य है जैसे ही अंतिम क्रेडिट शुरू होता है लेकिन अंत में कुछ भी नहीं होता है इसे कार्रवाई हिंसा और भाषा के लिए पीजी तेरह रेटिंग दी गई है और इसका चलने का समय एक घंटा पचपन मिनट है यदि आपने अन्य घोस्टबुस्टर्स फिल्मों का आनंद लिया तो आपको इसका भी आनंद लेना चाहिए मैंने इसे डीवीडी पर ख़रीदा है और खरीदूंगा मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इसे अलग कर देंगे क्योंकि यह मूल मूल घोसबस्टर्स और आफ्टर लाइफ दोनों के बराबर नहीं है लेकिन मैं कहूंगा कि यह उतना ही है जितना मैं मुझे ये फिल्म पसंद आई मैं वास्तव में चाहता था कि यह एक प्रामाणिक घोस्बुस्टर तीन का अनुवर्ती हो मैं उस ब्रह्मांड में रहना पसंद करूंगा लेकिन यह ब्रह्मांड बहुत अच्छा है मुझे वास्तव में पसंद है कि वे इन फिल्मों को कैसे विकसित कर रहे हैं कहानी में सिर्फ बच्चे का शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि विकास भी शामिल है इसका कोई मतलब नहीं है कि घोस्टबस्टर्स उन्नीस में फंस जाएंगे और वे नहीं हैं विशेषकर विंस्टन जेडमोर ये फ़िल्म और आख़िरी फ़िल्म वास्तव में इस तथ्य की भरपाई करना चाहती थी कि उन्होंने फ़िल्मों के पहले सेट में उनकी लोकप्रियता को खारिज कर दिया था जिससे उन्हें ये पता चल गया कि घोस्टबस्टर्स इन फ़िल्मों में वापस क्यों हैं यह एक विशाल कलाकारों की टुकड़ी थी ये वास्तव में अच्छा था कि फ़िल्म में इतने सारे लोग थे भले ही उनमें से अधिकांश का फ़िल्म में कोई महत्व नहीं था बेशक बिलमुरे का अपवाद था जिन्होंने महसूस किया कि उन्हें फिल्म में एक ऐसे व्यक्ति को शामिल करने की ज़रूरत है जो वहां नहीं रहना चाहता था लेकिन मुझे यकीन है कि वेतन बहुत बड़ा था सिर्फ ये कहने के लिए कि उनके पास इस फिल्म को बनाने के लिए सभी जीवित घोष हैं दूसरी ओर वास्तव में आश्चर्य की बात है कि कुमल नाजियानी की भूमिका वास्तव में किसी चीज़ से कैसे मिलती है और विशाल कलाकारों को समझाने के लिए कई परतों वाली कहानी के साथ अच्छी तरह से काम करती है कुल मिलाकर मैंने आनंद उठाया ये फ़्रेंचाइज़ी को आगे बढ़ाते हुए मुझे पुरानी यादें ताज़ा करने का एक अच्छा संयोजन था मैं वास्तव में उनके घोस्टबुस्टर्स टीम को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता घोस्टबुस्टर्स आफ्टर लाइफ बहुत बढ़िया थी मुझे 2016 के घोस्ट के भी पसंद हैं हालांकि आप में से अधिकांश को ये पसंद नहीं था और मुझे फ़्रोज़न एम्पायर के बारे में कैसा महसूस हुआ मुझे मूल पर कुछ कॉलबैक पसंद हैं और प्रभाव भी निराश नहीं करते हैं मुझे पुरानी यादों के लिए मूल कलाकारों की वापसी पसंद है और मैकेना ग्रेस फिन वोल्फहाड और लोगन के मानंददायक हैं मेरी सबसे बड़ी समस्या हास्य है यह मजाकिया बनने की बहुत कोशिश कर रहा है और मुझसे उस हद तक हंसने की उम्मीद कर रहा है जहां मैं नहीं हंस रहा था और आ ये कैरी कून को भूल जाएं जिन्होंने आफ्टरलाइफ में एक किरदार निभाया था लेकिन यहां वह बहुत उबी हुई और उदासीन दिख रही है लगभग ऐसा जैसे वह नींद में चल रही हो और पॉल रूड जिसे मैं आमतौर पर किसी भी चीज़ में पसंद करता हूं लेकिन यहां वह सब कुछ नीरस लगता है वह कहता है कि यह अजीब है जैसे उसे पता ही नहीं कि वह किस बारे में बात कर रहा है तो घोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ जो कि बहुत अच्छा था के तीन साल बाद हमें यह सीक्वल मिला है जब एक प्राचीन कलाकृति की खोज से एक बुरी शक्ति सामने आती है तो नए और पुराने घोस्ट बस्टर्स को अपने घर की रक्षा करने और दुनिया को दूसरे हिमयुग से बचाने के लिए एकजुट होना होगा मुझे फिल्म काफी अच्छी लगी आश्चर्यजनक नहीं लेकिन काफी आनंददायक कहानी बुरी नहीं है और आप इसका आसानी से अनुसरण कर सकते हैं चाहे आप फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हो या नहीं प्रभाव बहुत अच्छे हैं और फिल्म में कुछ अंधेरा भी जोड़ा गया है ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये काफ़ी पसंद है ये देखते हुए कि मैंने इस फ्रेंचाइजी की पहली दो फिल्में कभी नहीं देखी हैं फिर भी मैं फिल्म और उसके संवाद को समझता हूं मुझे इस फिल्म की गति अच्छी लगी और रन टाइम भी अच्छा लगा एक घंटे और छियालीस मिनट एक मिनट में यह अच्छी तरह से लंबा है और इसका बहुत अधिक स्वागत नहीं है जो अच्छा है पात्र अच्छे हैं और अभिनेता अपनी अपनी भूमिकाओं में अच्छा काम करते हैं अंत भी काफ़ी संतोषजनक था और उच्च स्तर पर समाप्त हुआ कमज़ोर आफ्टर लाइफ का अनावश्यक अनुवर्ती जो स्वयं गैर जरूरी था एक स्थापित फ़्रेंचाइज केवल नाम के लिए पाने की कमजोर उम्मीदों में लेने के लिए नवीनतम चारा और स्विच है सीटों पर पंखे हैं भले ही इसके अस्तित्व को सही ठहराने के लिए कुछ भी सार्थक नहीं है कैली फोयबे और ट्रेवर्स पेंगलर ने पुराने गंदगी फार्म को छोड़ दिया है गैरी ग्रोबसन के साथ मिलकर पुराने फायर हाउस में रहते हैं और उन भूतों का भंडाफोड़ करने के लिए अपने प्रोटोन पैक बांधे हैं जो बिग एप्पल को खा जाना चाहते हैं पुराने दिनों में सवाल ये था आप किसे बुलाएंगे हालांकि समय बदल गया है और अब सवाल यह है कि गंदगी को कौन साफ करेगा वास्तविक हास्य से रहित लेकिन आकर्षक प्रभावों से भरपूर सभी दृश्यों के बीच एक दुष्ट देवता से जुड़े कथानक का, का थोड़ा सा अंश है नहीं ये गोजो नहीं है इस बीच फीब्स को सचमुच अपने ही परिवार से अलग कर दिया गया है और वह हवा की शूटिंग करके सांत्वना पाती है एक किशोर लड़की की छवि के साथ जो एक ही स्वर में बोलती है और जरूरत पड़ने पर अलग हो सकती है अत्यधिक भरे हुए कलाकारों के पास परिष्कृत वैज्ञानिक शब्दजाल को उजागर करने के लिए रेमन स्टैंड के साथ साथ कुछ अन्य विरासत वाले पात्र भी हैं जो दर्शकों को यह याद दिलाने के लिए आते हैं कि यह फ्रेंचाइजी वास्तव में लोकप्रिय थी जब इसकी शुरुआत हुई थी डॉट तब से बहुत बुरा चार दशक बीत चुके हैं इवान रीटमैन को मरणोपरांत निर्माता का श्रेय मिलता है किसी को अंदाज़ा नहीं है कि वह परिणामों से खुश होंगे या नहीं लेकिन शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट को प्रशंसा मिलने पर खुशी हुई होगी तारानकन वन हाफ़ सबसे पहले मैं घोस्टबस्टर्स का प्रशंसक हूं मैं उस युग के मूल प्रशंसकों में से एक हूं क्योंकि मेरा जन्म उन्नीस में हुआ था जब घोस्टबस्टर्स फर्स्ट आया था और सिनेमा में मैंने जो पहली फ़िल्म देखी वह उन्नीस में घोस्टस्टर्स दो थी जब मैंने पांच साल का था और सिनेमा का वह अनुभव जीवन भर मेरे साथ रहा मेरा घोस्ट के साथ बड़ा इतिहास है मैं रियल घोस्टबस्टर्स एनिमेटेड श्रृंखला और फिर नब्बे के दशक में उत्कृष्ट अंडरेटेड एक्सट्रीम घोस्टबस्टर्स देखकर बड़ा हुआ हूँ मेरे पास वीडियो पर घोस्टबस्टर्स एक और दो थे और बड़े होते हुए मैंने उन्हें लगातार देखा मेरे पास सभी रियल घोस्टबस्टर्स खिलौने भी थे मैं वास्तव में घोस्टबस्टर्स का प्रशंसक हूँ जो सचमुच घोस्टबस्टर्स के साथ बड़ा हुआ हूँ मूर्खतापूर्ण लोकप्रिय राय यह है कि मुझे 2016 हज़ार घोस्टबस्टर्स की मुख्य महिला भूमिका बहुत पसंद आई मैंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ सिनेमा में लेडीज़ घोस्टबुस्टर्स देखी और हमें ये बहुत पसंद आई मेरी राय में 2016 की फिल्म एक शानदार आर्ट बटा दस है और घोस्टबुस्टर्स मुझे ये कहते हुए गर्व है कि यह मेरी बेटियों के लिए घोस्टबस्टर्स है उनके लिए एक घोस्टबस्टर्स और यह बहुत अच्छा था महिलाएं एक साथ शानदार और बहुत मज़ेदार थीं मेरी राय में गैजेट और नए प्रोटोन पैक मूल से बेहतर थे इसके अलावा 2016 हज़ार घोस्टबस्टर्स वास्तव में पूरी फ़्रेंचाइजी में सबसे मज़ेदार बनी हुई है इसके अलावा 1970 का पुराना टाइम स्क्वायर बिग बैटल फाइनल एक्शन सीक्वेंस शायद फ्रेंचाइजी का सबसे अच्छा घोष एक्शन सीन है महिला संस्करण में बहुत सारी बेहतरीन चीजें हैं और इसके नफरत का एकमात्र कारण स्त्री स्त्रीद्वेशी बेवकूफ़ियां थीं ये हमें फिल्म की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक पर लाता है हास्य के घटिया प्रयास चाहे वह कमजोर निर्देशन का मामला हो घटिया स्क्रिप्ट का या दोनों के संयोजन का फिल्म का प्रत्येक हास्य क्षण असफल रहा उदाहरण के लिए एक दृश्य में गैरी कैली को उस समय प्रेरित करने की कोशिश करता है जब वह उदास होती है और काम जारी रखने में असमर्थ महसूस करती है वह गोस्टबिस्टर्स थीम गीत के बोल उद्धृत करके ऐसा करता है एक ऐसी धुन जिसे श्रृंखला का मामूली ज्ञान रखने वाले किसी भी व्यक्ति ने कभी न कभी सुना होगा जो फ्रेंचाइजी की प्रतिष्ठित थीम के लिए एक स्नेहपूर्ण श्रद्धांजलि हो सकती थी वह एक अजीब क्षण बन जाता है जो जितना होना चाहिए उससे अधिक समय तक खींच जाता है इस दृश्य के मजेदार होने की पूरी संभावना थी लेकिन पॉल रुड और कैरीकून दोनों की समग्र प्रस्तुति में कुछ अजीब लगा ये फिल्म इसी तरह बेकार कॉमेडी से भरी हुई है जो निश्चित रूप से इसके पहले से ही कमजोर स्वर में बाधा डालती है दूसरे शब्दों में जो कॉमेडी कॉमेडी होनी चाहिए थी वह केवल अपने आप में ही खराब हो गई है फिल्म की एक और समस्या इसकी अरुचिकर कहानी है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है फिल्म एक प्राचीन कलाकृति पर केंद्रित है जिसमें घटनाओं की एक सर्वनाशकारी श्रृंखला लाने की क्षमता है कागज पर ये गोस्टबिस्टर्स फिल्म के लिए बिल्कुल बढ़िया कथानक जैसा लगता है लेकिन निष्पादन बहुत खराब तरीके से किया गया है उदाहरण के लिए कलाकृति के संबंध में पृष्ठभूमि की कहानी दर्शकों को बहुत भद्दे जबरदस्ती तरीके से बताई जाती है पैटन ओसवाद द्वारा निभाए गए एक यादृच्छिक चरित्र को के प्रतिबिंबित कलात्मक दृश्यों के साथ लंबी प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया गया है हालांकि इसमें खामियां भी नहीं हैं लेकिन मेरे जैसे प्रशंसकों ने फिल्म को एक संतोषजनक अनुवर्ती फिल्म के रूप में पाया जिसे देखने के बाद हमें एक अच्छा एहसास हुआ जो कि बिल्कुल वही है जो मैंने इसकी रिलीज से पहले आशा की थी यदि यह मेरे ऊपर निर्भर होता तो मैं इस श्रृंखला को ऊंचे स्वर में यहीं समाप्त करना चुनता लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता को देखते हुए यह अपरिहार्य था कि सोनी पिक्चर्स पाइपलाइन में कहीं और फिल्में बनाएगा फ्रेंचाइज की चालीसवीं वर्षगांठ के वर्ष में हमारे पास घोस्ट बस्टर्स फ्रोजन एम्पायर है जो एक विरासती सीक्वल की अगली कड़ी है जो इस प्रिय श्रृंखला से किसी भी नए या रोमांचक विचार को निकालने में विफल रहती है बेशक फिल्म एक आशाजनक नोट पर शुरू होती है जिसे मैंने शुरू में मान लिया था कि यह बाकी कहानी के लिए मूड तैयार कर रही है एक मज़ेदार शुरुआती दृश्य में हम देखते हैं कि स्पेंगलर परिवार एक तो एक में मैनहट्टन की सड़कों पर एक बड़े ड्रैगन भूत का पीछा कर रहा है जैसे ही भूत विभिन्न इमारतों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है स्पिंगलर्स जल्दबाजी में उपकरणों की एक श्रृंखला का उपयोग करके इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसमें शीर्ष पर एक भूत जाल वाला ड्रोन भी शामिल है प्राणी के उत्पाद को सफलतापूर्वक समाप्त करने पर स्पिंगलर्स को इस प्रक्रिया में हुई संपार्श्विक क्षति के लिए फटकार लगाई जाती है बाद में एक निश्चित पर्यावरण एजेंट से लंबी डांट मिलती है इस बिंदु से आगे फिल्म एक निश्चित रूप से नीरस स्वर लेती है जिसमें पुरानी फिल्मों के अजीब उदासीन संदर्भों से परे उत्साह की सामान्य कमी होती है मूल दो फिल्मों में से प्रत्येक में हास्य और डरावनी का अच्छा मिश्रण था जिसने उन्हें अस्सी के दशक की पॉप संस्कृति का यादगार केंद्र बनने में मदद की हालांकि इस प्रविष्टि के साथ अंतिम क्रेडिट शुरू होने के बाद मैं फिल्म का एक भी मनोरंजक हिस्सा याद रखने में असफल रहा यह अजीब है ऐसा लगता है कि इस फ्रेंचाइज के पीछे के लोगों मूल सितारों सहित को अभी भी यह नहीं पता है कि यह कैसे काम करता है या इसकी समृद्ध सामग्री का पूरी तरह से उपयोग कैसे किया जाए थर्ड टाइम ए चाम घोस्ट गॉस्टबुस्टर्स फ्रोजन एम्पायर 2021 हज़ार इक्कीस की घोस्टबुस्टर्स आफ्टर लाइफ की अगली कड़ी और घोस्टबुस्टर्स फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है गिल के नान द्वारा निर्देशित और सहलिखित मॉन्स्टर हाउस सिटी ऑफ एम्बर ए बॉय कॉल क्रिसमस ये औसत अनुवर्ति में अपने पूर्ववर्ती से कम है जो साबित करता है कि श्रृंखला अब अपना काम कर चुकी है घोस्टबुस्टर्स आफ्टर लाइफ की घटनाओं के दो साल बाद कैली स्पेंगलर कैरीकून और गैरी ग्रोबसन पॉल रूट ने अपने परिवार को ओक्लाहोमा से न्यूयॉर्क शहर में स्थानांतरित करने का फ़ैसला किया पुराने घोस्टबुस्टर्स फायर हाउस में घर स्थापित करते हुए स्पिंगलर्स मूल टीम के सदस्यों रेस्टैंस डैनेकर विस्टन जेडडेमोर एरनी हटसन और पीटर वैंकमेंट बिलमरे के साथ एक भूमिगत अनुसंधान प्रयोगशाला में काम करते हैं जिसमें उनके द्वारा पकड़ी गई सभी चीज़ें रखी जाती हैं विशेष रूप से संशोधित बाढ़ों में भूत एक दिन स्थानीय निवासी नदीम कुमेल जांजियानी एक प्राचीन कलाकृति की खोज करता है जो एक बुरी अलौकिक ऊर्जा को उजागर करती है जो पूरी दुनिया को स्थायी हिमयुग में फंसाने में सक्षम है अब जबकि जीवित लोगों का भाग्य उथल पुथल में है नए और पुराने दोनों घोस्टबस्टर्स को पृथ्वी को जमे हुए ठोस बनने से बचाने के लिए किसी भी पीढ़ीगत मतभेद को दूर करना होगा दशकों के धैर्यपूर्वक इंतजार के बाद घोस्टबस्टर्स फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों को आखिरकार घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ श्रृंखला की तीसरी फिल्म मिल गई यह विरासत सीक्वल जिसने मूल दो फ़िल्मों की विलंबित निरंतरता के रूप में काम किया वर्तमान पीढ़ी को आकर्षित करने के तरीके खोजने में कामयाब रही और साथ ही साथ को सम्मान भी दिया